السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين। सबसे पहले हर तरह की हमदर सना तारीफ और तौसीफ अजमत और बुजुर्गी की बड़ाई और बड़ाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है जिसकी नेमतें बेशुमार हैं जिसके एहसानात अनगिन हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बहुत एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमको कुरान मजीद की तफसीर की इस बाबरकत मजलिस में जमा होने की तौफीक नसीब फरमाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ हमारे जमा होने को कबूल फरमाएँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान के नूर से हमारे सीनों को मुनव्वर कर दें। अल्लाह ताला कुरान मजीद को पढ़ने, उसको समझने, उसके आयात में गौर व फिक्र और तदब्बुर करने और उसको अपनी ज़िंदगी का, अपने दावत का निसाब बनाने की हमको तौफीक अता फरमाए। सूरह बकरा की तफसीर का सिलसिला चल रहा है। पिछली आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन लोगों से मुतालिक गुफ्तगु की जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी किताब के और अपने वही के इल्म से नवाजा था, लेकिन उन्होंने ये जुर्म किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब के इल्म को अपने घरों में बंद करके रख लिया, उसको छुपा लिया, इल्म को छुपाया और इल्म को छुपाने की वजह से वो अल्लाह ताला के अज़ाब के मुश्तहिक बन गए। पिछले आयतों में अल्लाह ने फरमाया इन अल्लज़ीना यक्तुमूना मा अनज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बादी मा बय्यनाहु लिन्नासि फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून, कि वो लोग जिन्होंने अल्लाह ताला की उतारी हुई निशानियों को और हिदायतों को छुपा लिया, बाद इसके कि हमने वो निशानियां किताब में बयान फरमा दी थी, वो हिदायत किताब में वाजे कर दी थी, ये ऐसे लोग हैं जिन पर अल्लाह की लानत है और लानत करने वालों की लानत है। इल्लल्लज़ीन ताबू, लेकिन जिन लोगों ने तौबा कर ली, इस्लाह की और जो भी उन्होंने छुपाया था उसको वापस बयान कर दिया, फ़उलाइका अतूबु अलैहिम, तो मैं उनकी तौबा कबूल करूँगा, वह अन तव्वाबुर रहीम, और मैं तव्वाबुर रहीम हूँ। तो पिछली आयतों में इल्म और हिदायत छुपाने वालों के मुतालिक गुफ्तगू हुई और इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन इल्म और हिदायत को, पिछली आयत में हक को छुपाने वालों से मुतालिक गुफ्तगू हुई, इस आयत में हक का इनकार करने वाले के मुतालिक गुफ्तगू हो रही है। यानी दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वो हैं जिन तक के हक पहुँचा और उन्होंने हक छुपा लिया और हक लोगों में बयान नहीं फरमाया, और दूसरे लोग हैं जिन्होंने हक का इनकार किया। हक छुपाने वालों पर अल्लाह की लानत है और लानत करने वालों की लानत है, पिछले आयतों में गुजरा। अब वो लोग जिन्होंने हक का इनकार किया, हक को कबूल नहीं किया, हक को तस्लीम नहीं किया, हक से मुंह मोड़ लिया, उनके साथ क्या सलूक होगा? अल्लाह फरमा रहे हैं इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फार, बेशक जिन्होंने कुफ्र किया और वो मरे इस हालत में कि वो काफिर थे, कुफ्र किया और इस हालत ही में ही मर गए कि वो काफिर थे, कुफ्र की हालत में उनकी मौत आई। उलाइका अलैहिम लानतुल्लाह, उन पर अल्लाह ताला की लानत है, वल मलाइका फरिश्तों की लानत है, वन नासी अजमईन और सबकी लानत है, सारे इंसानों की लानत है। अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर ये बताया कि जो लोग कफरू इनकार करने वाले, हक का इनकार करने वाले, कफरू का मतलब होता है इनकार करना और ये अपोजिट है असलमों की, असलमों का मतलब होता है जो इस्लाम कबूल करे, तो मुस्लिम वह है जो इस्लाम कबूल करे और काफिर वह है जो इस्लाम का इनकार कर दे, हक का इनकार कर दे, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। और जाहिर सी बात है कि ये शरई इस्तिलाह है, एक शरई टर्मिनोलॉजी है, मुस्लिम इस्लाम लाने वाला, कबूल करने वाला, तस्लीम करने वाला और काफिर यानी इनकार कर देने वाला। एक बात जो है ना वो आज के ज़माने में वो हमारे लिए बड़ी अहम हो जाती है कि काफिर का लफ्ज़ जो है ना वो, क्योंकि जाहिर सी बात है कुफ्र कोई बहुत अच्छी चीज़ तो है नहीं, दुनिया का सबसे अजीम गुनाह कुफ्र है, तो जाहिर सी बात है उस कुफ्र के साथ एक गंदा अमल है, तो वो लफ्ज़ भी जो है ना वो इस गंदगी पे दलालत करने वाला है। और ये शरी इस्तिलाह है काफिर होना, पर इस लफ्ज़ के साथ जो है ना बहुत नाइंसाफियां होती हैं। एक बहुत बड़ी नाइंसाफी ये हुई है ख़ासतौर पे हमारे मुस्लिम माशरे में और बिलखसूस जो हमारा एक दावती दीन को के फील्ड को इख्तियार करने वाला तबका, जो अपने आप को दुआत कहते हैं, उन लोगों ने ये बहुत बड़ा एक तरह की बिदअत हम इसको कह सकते हैं कि काफिर एक इस्तिलाह की हैसियत से जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता हम तर्क करते जा रहे हैं। इवन जो दावत की फील्ड में काम कर रहे हैं वो भी
प्रीफर ये करते हैं कि वो मुस्लिम के मुकाबले में गैर मुस्लिम या नॉन मुस्लिम बतौर इस्तिलाह के इस्तेमाल करें। इस्तिलाह यानी टर्मिनोलॉजी, गैर मुस्लिम या नॉन मुस्लिम, मैं ये नहीं कहता कि ये लफ्ज इस्तेमाल करना गलत है या मना है, मैं ये कह रहा हूं कि इस्लाम ने जो टर्मिनोलॉजी हमको दी है उसको चेंज कर देना और गैर मुस्लिम को काफिर से रिप्लेस कर देना, ये बिदअत है। काफिर एक इस्तिलाह है, शरई इस्तिलाह है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने दो ही तरह के लोगों का बयान किया है, मुस्लिमीन और काफिरीन, मुस्लिमून और काफिरून। तो अब क्योंकि काफिर लफ्ज के साथ एक कराहत जुड़ी हुई है, कबाहत जुड़ी हुई है, तो बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वो दावत में नरमी का ये मतलब समझती है काफिर बोलने से, क्योंकि लोगों को ठेस पहुंचती है, तकलीफ होती है, तो ऐसा करो कि नरम कर दो। नरम कैसे करो कि काफिर का इस्तेमाल मत करो। इवन जो लोग दावत की फील्ड में काम कर रहे हैं वो भी ये कहते हैं ना कि वो दावत टू नॉन मुस्लिम, हाँ, कुफार लफ्ज इस्तेमाल करना या काफिर लफ्ज इस्तेमाल करना ये दावत में नरमी के खिलाफ समझते हैं लोग। बल्कि बाज़ लोगों ने मुझसे बाकायदा ये कहा कि आप काफिर लफ्ज इस्तेमाल मत करें, आप नॉन मुस्लिम कहें, आप गैर मुस्लिम कहें। मैं ये नहीं कहता कि नॉन मुस्लिम कहना या गैर मुस्लिम कहना ये बिदअत है या मना है, मैं ये कह रहा हूँ कि एक शरई इस्तिलाह को बिल्कुल तर्क कर देना और उसको एक नई इस्तिलाह से रिप्लेस कर देना ये बिदअत है। आपको बिलाशुबा दावत दीन में नरमी इख्तियार करनी है, पर नरमी की भी कुछ हुदूद है। नरमी का ये मतलब नहीं कि अल्लाह ताला की दीन ही को आप तब्दील करने लग जाए। काफिर एक शरई इस्तिलाह है, और अगर किसी को इसे तकलीफ हो रही तो जाहिर सी बात है, क्योंकि अब भाई शराब पीने वाले को आप शराबी ना बोलें कि शराबी बोलने से उसको तकलीफ होती है तो फिर तो वो शराब छोड़ने से रहा। बिदत करने वाले को आप बिदती ना बोलें कि भी उसको बिदती बोलेंगे तो उसको तकलीफ होगी तो बिदती छोड़ने से वो रहा। जानी को आप अगर जानी नहीं बोलेंगे क्योंकि जानी बोलने से उसको तकलीफ होती है तो फिर तो वो जिना छोड़ने से रहा। आप उसको जिना को रिलेशनशिप का नाम दे दें और शराब को इंजॉयमेंट का नाम दे दें फिर वो क्यों छोड़ेगा। तो जाहिर सी बात है जो गुनाहों के नाम रखे जाते हैं उनमें कराहत होती है, और कराहत की वजह यही है ताकि गुनाह करने वाले को अपने गुनाह की शिद्दत का, उसकी खतरनाकी का एहसास हो। तो अगर इससे किसी इस लफ्ज से एक कराहत और एक कबाहत महसूस हो रही है तो ये तो शरीयत चाहती ही है ना कि आप उस गुनाह की अजमत को समझें। अब मुस्लिम और काफिर, तो काफिर का मतलब होता है इनकार करने वाला। क्या इनकार करने वाला? हर वो चीज जिसको तस्लीम करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया उसका इनकार करने वाला, या उनमें से किसी भी ऐसी चीज का इनकार कर देने वाला जिससे बंदा इस्लाम से खारिज हो जाए। तो अगर किसी ने भी कुफ्र किया है तो काफिर का मतलब होता है इनकार करने वाला। तो पहली बात तो ये कि ठीक है अगर इसमें कराहत समझी जाती है इस लफ्ज से, तो अल्लाह शरीयत का मकसूद तो यही है ना कि आप उसकी उस नाम की कराहत को उस अमल की कराहत समझें कि ये नाम इसलिए अमल बहुत मकरूह है, बहुत नापसंदीदा है, इसलिए नाम भी उसके लिए नापसंदीदगी वाला इख्तियार किया गया। वरना शैतान तो यही करता है ना कि बुरे बुरे आमाल को खूबसूरत सा नाम दे दिया जाए ताकि वो कराहत करने वाला महसूस ना करें। शैतान ने इसीलिए जिना को रिलेशन का नाम दे दिया है और बेहयाई को फैशन का नाम दे दिया है और बेईमानी को जो है ना वो जहानत का नाम दे दिया है। तो शैतान तो यही चाहता है कि आमाल से कराहत निकाल दी जाए ताकि गुनाह करने वाला गुनाह करते हुए कोई शर्मिंदगी महसूस ना करें। पर शरीयत ये चाहती है कि गुनाह करने वाला अपने गुनाह पे शर्मिंदा हो, तो शरीयत तो इसलिए बुरे चीजों का बुरा नाम रखती है। और दूसरी बात यह है जो एक अप्रोच था हमारा उन लोगों के लिए है जो अपने आप को दाई कहते हैं और वो काफिर लफ्ज इस्तेमाल करने से ऐसे परहेज करते हैं गोया कि अगर उन्होंने जबान से कहीं काफिर का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया तो कोई गुनाह सरजद हो जाएगा। हालांकि काफिर जो है वो एक शरई इस्तिलाह है, कुरान मजीद में कहीं पे भी नॉन मुस्लिम या गैर मुस्लिम का लफ्ज नहीं आया है। आप पूरा कुरान मजीद उठा करके देखें कहीं पर भी गैर मुस्लिम नहीं कहा गया। मुस्लिम का जो जिद है, जो अपोजिट है मुस्लिम की, वो हमेशा काफिर ही उसको कहा गया है। और बाकी रहा कि अगर कोई इसको तौहीन समझ रहा है, कोई अगर काफिर है और उस काफिर लफ्ज को तौहीन समझ रहा है, तो काफिर कोई गाली नहीं। इस बीच में भी ये जो है ना मौजू बहुत मरतबा उठा कि आप मुसलमान जो है वो दूसरे मजहब के लोगों को काफिर बोलते हैं और इससे हमको तौहीन महसूस होती है। तो हमारे ऐसे लोगों के लिए, हमारे जो वतन के हमारे रहने वाले रिहायशी हैं, अहबाब वतन हैं, उनको हम इतनी बात कहेंगे कि भाई काफिर कोई गाली नहीं है। काफिर का एक मीनिंग होता है इनकार करने वाला। तो आपने अल्लाह का इनकार किया, आपने अल्लाह की सिफात का इनकार किया हुआ है, आपने रसूलुल्लाह का इनकार किया या तकदीर का इनकार किया या क़यामत का इनकार किया है या फरिश्तों का इनकार किया है, शरीयत में इन चीज़ों को मानने का हुक्म दिया गया है, आपने अगर उनका इनकार किया है तो हम बस इतना कह देंगे आप इनकार करने वाले। क्योंकि आप इनकार कर रहे हैं तो ये लफ्ज़ से आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। काफिर कोई गाली नहीं है, काफिर एक इस्तिलाह है जिसका एक संजीदा मफहूम है, वो
काफिर जो है वो कोई गाली कह करके आपको, गाली की नीयत से कोई आपको काफिर नहीं कहता, बल्कि काफिर का एक मफहूम है कि इनकार करने वाला। तो जैसे मुस्लिम का मतलब होता है तस्लीम करने वाला, कबूल करने वाला, अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को, ईमान का भी मोमिन का भी मतलब होता है कबूल करने वाला, तो अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को कबूल करने का हुक्म दिया, जो उसको कबूल कर ले वो मुस्लिम है, वो मोमिन है, और जो उसका इनकार कर दे वो काफिर है। तो काफिर कोई गाली नहीं है, एक शरीयत की टर्म है जो ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल होती है जो शरीयत में जिन चीज़ों को मानने का हुक्म दिया है, जो मानने से इनकार कर देते हैं, तो इनकार करने वाले को काफिर कहा जाता है। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कोई ऑफेंड हो और जो जिससे किसी को तकलीफ हो या कोई इसको गाली समझे। बहरहाल, इन लदीना कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, वमा तू वहुम कुफ्फार, और वो मर गए इस हालत में कि वो काफिर थे। तीन चीजें अल्लाह ताला ने बताई कि वो लोग जो कुफ्र करते हैं और उनकी मौत भी हो गई और मौत इस हालत में हुई कि वो काफिर थे, उलाइका अलैहिम लअनतुल्लाह वल मलाइकति वन्नास अजमईन, उन पर अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है और सारे लोगों की लानत है, यानी सारे लानत करने वाले सारे इंसानों की उन पर लानत है, और खालिदीन फीहा ला युखफ्फफ अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युंज़रून, वो हमेशा हमेशा रहेंगे, किस में रहेंगे, लानत में रहेंगे या जहन्नम के अंदर रहेंगे, ला युखफ्फफ अन्हुमुल अज़ाब, और उनसे अज़ाब बिल्कुल भी हल्का नहीं किया जाएगा, वला हुम युंज़रून, और ना ही उनको मोहलत दी जाएगी ना ही उनको देखा जाएगा। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक उसूली बात बताई है, और ख़ास तौर पर हमारे इस दौर में जो एक सेकुलरिज्म के फैलाव की वजह से एक जहन लोगों का ये बन गया है कि लोग बहुत अच्छे काम करने वाले हैं, तो गर्चे वो हालत कुफ्र में ही क्यों ना मरे, उनके लिए भी दुआएं मगफिरत कर दी जानी चाहिए। और इस बीच में भी देखने में आया कि एक बहुत बड़ा तबका जो है वो इंग्लैंड की जो मलिका है उसके हक में भी दुआएं मगफिरत करता हुआ दिखाई दिया गया, और यू जो एक आसान एक आम सा जो है ना एक फिनोमिना बन गया है कि जैसे ही किसी बड़ी शख्सियत की मौत होती है और रेस्ट इन पीस का जो है ना एक तबका फौरन जो है वो विर्ध करने लगता है और उनके लिए मगफिरत की और जन्नत की दुआएं मांगने लगता है। जन्नत हमारी नहीं है, जन्नत के मालिक हम नहीं हैं, ना जहन्नम के मालिक हम हैं, हम ये तय ही नहीं कर सकते कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नम में जाएगा, अल्लाह तय करता है कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नम में जाएगा, ये हमारा इख्तियार नहीं है। जब हम बताते हैं कि काफिरों को के लिए अल्लाह ताला ने हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम रखी है, तो एक तबका ये बोलता है हमसे कि तुम क्या जन्नत जहन्नम के वारिस हो, जन्नत जहन्नम के मालिक हो, जन्नत जहन्नम की कुंजियां तुम्हारे हाथ में, तुम कौन तय करने वाले होते हो कि जन्नत में कौन जाएगा जहन्नम में कौन जाएगा। हम खुद इसको तस्लीम करते हैं कि जन्नत में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, हम मालिक नहीं, हम नहीं तय कर सकते कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नम में जाएगा, पर तुम भी तो मालिक नहीं हो ना, तुम भी तय नहीं कर सकते कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नम में जाएगा। जो जन्नत का मालिक है, जो जन्नत का खालिक है, जिसने जन्नत को पैदा किया है, जिसने जहन्नम को पैदा किया है, वही तय करेगा कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नम में जाएगा। और उसने ये तय कर दिया है कि जो लोग कुफ्र करते हैं और हालत कुफ्र में उनकी मौत होती है वो जहन्नम में जाएंगे, हमेशा में जहन्नम में रहेंगे। उन्होंने जिंदगी में हमेशा कुफ्र किया तो जिंदगी मरने के बाद की जो जिंदगी शुरू होगी उसमें भी वो हमेशा हमेशा जहन्नम के अंदर रहेंगे। अल्लाह ने फरमाया कि वो लोग जो कुफ्र करते हैं और कुफ्र की हालत में उनकी मौत हो गई, उन पर अल्लाह की लानत है, उन पर फरिश्तों की लानत है और उन पर सारे लोगों की लानत है। लानत का मतलब मैं बता चुका हूँ कि एक तो अल्लाह ताला की तरफ जब इसको मनसूख किया जाता है तो मतलब ये होता है कि अल्लाह उनको अपनी रहमत से दूर कर देगा। अल्लाह की रहमत का सबसे बड़ा मजहर क्या है? अल्लाह की रहमत का सबसे बड़ा मजहर जो है वो जन्नत है। अल्लाह की रहमत का सबसे बड़ी नुमाइंदा क्या है? जन्नत। अल्लाह ने रहमत के लिए अपनी जन्नत तैयार करके रखी हुई है, जहाँ की नेमतें बेशुमार हैं, अनगिनत हैं, लामहदूद हैं और हमेशा हमेशा के लिए हैं। तो अल्लाह ताला उनको अपनी रहमत से दूर कर देता है। जब और लोगों और इन फरिश्तों और लोगों की लानत का मतलब क्या होता है कि फरिश्ते उनके लिए अल्लाह से की रहमत से दूर हो जाने की दुआ करते हैं, बद्दुआ करते हैं उन पर कि अल्लाह इनको अपनी रहमत से दूर कर दे, जिन्होंने तेरे साथ कुफ्र किया, तेरा खा करके दूसरों के सामने सर झुकाया, तेरी रहमतों का इनकार किया, तेरी नाशुक्री में जिंदगी बसर की, अल्लाह ताला तू उनको अपनी रहमत से दूर कर दे। फरिश्ते उनके लिए लानत करते हैं, उन पर दुआ करते हैं उनके लिए कि अल्लाह उनको अपनी रहमत से दूर कर दे, और सारे लोग उनके लिए लानत करते हैं, यानी दुनिया के सारे इंसान कुछ दुनिया में लानत कर रहे हैं और कुछ उनके मरने के बाद जब दोबारा जिंदा होंगे तब उन पर लानत करेंगे। और अल्लाह ने फरमाया खालिदीन फीहा, जो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे, लानत में ही पड़े रहेंगे काफिर जो कुफ्र की हालत में मरे हैं, ला युखफ्फफ अन्हुमुल अज़ाब, उनके लिए अजाब की तख़फीफ नहीं की जाएगी, थोड़ा सा भी अजाब उनका हल्का नहीं किया जाएगा, और वला हुम युंज़रून, ना उनको थोड़ी सी भी मोहलत दी जाएगी। अब इसमें हमको एक बात समझने की यह है कि अल्लाह ताला ने जब ये तय कर दिया है कि जो हालत कुफ्र में मरते हैं उनके लिए अल्लाह ताला ने हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम का अजाब रखा है, तो हम जो है ना वो अल्लाह ताला के हुक्म से आगे बढ़ करके हमको तो इजाज़त नहीं है कि हम ऐसे लोगों के लिए जन्नत में जाने की गुंजाइश रखें।
ऐसे लोगों के लिए जन्नत में जाने की कोई गुंजाइश नहीं जो हालत कुफर में मौत पाते हैं। अलबत्ता अलबत्ता एक बात ये भी समझनी चाहिए हमको कि वो हमारे अहबाब और हजरात जो बावजूद इसके कि खुद को मुसलमान कहते हैं और वो बार बार जो है वो कुफर पर मरने वाले लोगों के लिए मगफरत की दुआ पर इसरार करते हैं कि जो हालत कुफर पे गर्चे मर गए लेकिन उनके लिए मगफरत की दुआ की जानी चाहिए, उनको ये समझना चाहिए कि वो अपने इस रवैये से क्या कर रहे हैं, कुफर के गुनाह को हल्का कर रहे हैं। वो आप एक काफिर के लिए अगर जन्नत में जाने का दरवाजा खोल करके रखते हैं और उसके लिए गुंजाइश पैदा करके रखते हैं और आप उसको बता रहे हैं कि भाई गर्चे तुम कुफर में मर जाओ फिर भी तुम्हारे जन्नत में जाने का इम्कान है, अगर आप उसको ये पैगाम देते हैं तो आप उसके साथ अच्छा नहीं कर रहे, आप उसके साथ अच्छा नहीं करते, आप उसके साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप उसके लिए गुंजाइश नहीं छोड़ते तो इस बात की उम्मीद थी कि शायद वो अपने कुफर पे तौबा करता, उसको शर्मिंदगी होती, उसको ये फिक्र होती कि अगर इसी कुफर के साथ में मर गया तो शायद मैं जहन्नम में जाऊंगा। पर आपने क्या किया, आपने उसके लिए जब मगफिरत की गुंजाइश छोड़ दी तो अब वो क्या करेगा, अब तो वो सोच रहा है गरचे मैंने कुफर किया है, गरचे मैं किसी को अल्लाह ताला का बेटा मानता हूँ, गरचे मैं गैरुल्लाह के सामने हाथ फैलाने का कायल हूँ, लेकिन क्योंकि फला मौलाना साहब, फला मौलवी साहब, फला डॉक्टर साहब तो ये कहते हैं कि हालत कुफर में मरने के बावजूद भी मेरी जन्नत में जाने की गुंजाइश मौजूद है, लिहाजा मुझे इस कुफर से तौबा करने की जरूरत नहीं है, तो आपने उसके साथ अच्छा नहीं किया। हो सकता है कि हमेशा हमेशा जहन्नम में जाने का खौफ उसको कुफर से तौबा करने पर मायल कर देता, पर ये लोग जो हर बड़ी शख्सियत की मौत के बाद उनकी जन्नत में जाने की दुआएं करना शुरू कर देते हैं, बल्कि मौलवियों का एक तबका जो है ना वो किसी बड़ी शख्सियत के, सियासी शख्सियत की मौत हुई हिंदुस्तान के अंदर तो वो कुरान खानी के लिए भी आ गए। एक बहुत बड़ी शख्सियत जो है ना पुराने अदवार में सियासी शख्सियत थी, जब उनकी मौत हुई पुराने जमाने में जो दूरदर्शन के चैनल होते थे आप लोगों को पता होगा, उसमें जब किसी बड़ी शख्सियत की मौत होती थी तो अलग अलग मजहब के लोग आकर के उनकी दुआएं करते थे, तो एक मौलवी साहब बाकायदा जो है ना वो दूरदर्शन के चैनल पे एक काफिर शख्सियत की मौत पर कुरान खानी करने के लिए पहुंच गए। तो ये लोग, ये आप काफिर के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं कर रहे, अगर आप कह रहे हैं कि हालत कुफर में मरने के बावजूद इंसान जन्नत में जा सकता है। अभी ये जो इंग्लैंड की जो क्वीन है उसकी मौत के बाद एक बंदे को पकड़ा गया मक्का के अंदर जो क्वीन की तरफ से उमरा करने के लिए गया था। तो ये हजरात जो है ना, और ये हमेशा जब भी किसी बड़ी शख्सियत की मौत होती है काफिरों में से हमेशा सोशल मीडिया पे बहस छिड़ जाती है और एक दो तबके जो है वो बन जाते हैं। तो हालांकि मैं इसको नहीं समझता हूँ कि हर मसला हर बार जो है ना वो ये मसला उठाया जाना चाहिए, लेकिन ये कि ये अजीब सी बात है कि आप उस काफिर के साथ कोई हमदर्दी नहीं कर रहे। अगर आप ये कह रहे हैं कि मरने के बाद ही इंसान के लिए जन्नत में जाने का रास्ता मौजूद है अगर वो कुफर पर मरा है, तो आप उसके साथ बदखाही कर रहे हैं। उसको जो एक चांस था, या दूसरे काफिरों के लिए जो एक चांस था कि वो इस डर से कि कहीं हमेशा हमेशा के लिए मैं जहन्नम में चले जाऊं तो मैं तौबा कर लेना चाहिए मुझको, आपने उसके लिए आसानी कर दी कि तुमको तौबा करने की कोई जरूरत नहीं, बस तुमको सोशल वर्क करते रहो तो हालत कुफर में मरने के बाद भी तुमको अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में डाल सकता है। अजीब सी बात एक ये भी देखने में आई है ना कि ये सारे लोग जो रिप रिप का नारा लगाते रहते हैं किसी पे मरने के बाद, हाँ ये अगर बहुत हमदर्द है इन काफिरों के तो इन तक की जाकर के दावत का पैगाम पहुंचाए, इन तक कर जाके दीन पहुंचाए, लेकिन ये देखने में आता है ना कि ये हजरात दावत के लिए कभी भी संजीदा नहीं होते, ये किसी काफिर तक के अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाने के लिए तो संजीदा नहीं है, लेकिन जैसे उसकी मौत होती है रेस्ट इन पीस रेस्ट इन पीस। भाई इन काफिरों से तुमको बड़ी मोहब्बत है अगर, और तुम इनके जहन्नम में जाने को कबूल नहीं करते, तो जिंदगी में इन तक के अल्लाह का पैगाम पहुंचाने की कोशिश करो ना, कि जिंदगी में इन तक के अल्लाह का पैगाम पहुंचे इसकी कोशिश करो, तो फिर इस तरह से तुम उनको जहन्नम की आग से बचा सकते हो। पर ये कोशिश इसकी नहीं करते कि इन तक के दीन का पैगाम पहुंचाया जाए ताकि जहन्नम से बच जाए। हम जो एक काफिर के लिए हमदर्दी रखते हैं ना, उस हमदर्दी का तकाजा यही है। हम उसके हमदर्दी क्यों रखते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये जो एक स्टेटस होता है काफिर का, जो एक हालत होती है काफिर की, वो गोया कि जहन्नम के रास्ते पर चल रहा है। अगर इसी हालत में उसकी मौत आ गई तो वो जहन्नम में जाएगा। हमको उससे हमदर्दी है और उस हमदर्दी का तकाजा है कि उस तक दीन की दावत पहुंचाई जाए। क्यों? क्योंकि अगर वो इसी हालत में मर गया तो जहन्नम में जाएगा, तो उसको जहन्नम से बचाना है हमको। अगर हम ये सोच लें कि ठीक है काफिर है फिर भी है, हो सकता है अल्लाह ताला इसको जन्नत में डाल दे, अच्छा वो सोशल वर्क करता रहेगा तो हो सकता है अल्लाह ताला इसको बावजूद कुफ्र करने के अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको जन्नत के अंदर डाल दे, अगर हम ये सोचते रहें तो फिर वो हमदर्दी दावत का जज्बा हमारे दिल में कभी बेदार नहीं होगा। उसके लिए जो दर्द है, जो तड़प है, वो महसूस ही नहीं हम करेंगे अगर हम ये सोचें कि इस हालत में भी इसको जन्नत में जाने की गुंजाइश मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो कहा गया, और हर दाई के लिए वो बात मौजूद होती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना दर्द और इतनी तड़प थी अहले कुफर के लिए कि अल्लाह के नबी उनको फरमाया गया लअल्लक बाखिउ नफ्सका अल्ला यकूनू मुमिनीन,
अल्लाह के नबी सल्लम अगर ये लोग ईमान नहीं लेकर के आए तो ऐसा लगता है कि आप अपने आप को हलाक कर लेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो परेशानी थी कि लोग ईमान नहीं ला रहे और अगर वो इसी कुफ्र की हालत में मर गए तो वो जहन्नम में जाएंगे, इस फिक्र की वजह से अल्लाह के नबी सल्लम चाहते थे कि लोग ईमान लेकर के आ जाए। तो अल्लाह को तसल्ली देनी पड़ी कि अल्लाह के नबी सल्लम आप तो इतना ज्यादा इनकी फिक्र में इतना ज्यादा घुले जा रहे हैं कि अगर ये ईमान नहीं लाए तो लगता है आप अपने आप को हलाक बर्बाद कर लेंगे, आप इनके टेंशन में खुद ना अपने आप को जाया कर बैठे। अल्लाह ताला को तसल्ली देनी पड़ी। तो ये जो फिक्रमंदी एक मोमिन के दिल में और एक दाई के दिल में खास तौर पे पैदा होती है इंसानियत को लेकर के, वो क्यों? क्योंकि एक दाई ये समझता है कि फला आदमी अगर कुफ्र कर रहा है तो इसका मतलब वो जहन्नम के रास्ते पर चल रहा है और जैसे ही उसकी मौत आएगी वो जहन्नम के अंदर दाखिल हो जाएगा। इस फिक्रमंदी की वजह से वो दावत का काम करता है। अगर ये फिक्रमंदी ना रह जाए दिल के अंदर कि ये हालत कुफ्र में अगर इसकी मौत आ गई तो ये जहन्नम में नहीं फिर भी इसके जन्नत में जाने का चांस है, जहन्नम में नहीं जा सकता फिर भी इसके जन्नत में जाने का चांस है, फिर तो जो है ना वो उतनी फिक्रमंदी से दावत का काम नहीं करेगा। तो ये बड़ी अजीब बात है। हमारे यहाँ मैंने देखा बाज़ मुसलमान लोगों को वो बाज़ साइंसदानों की फोटो लगा करके जिन्होंने दुनिया में बड़ी बड़ी ईजादात की हैं और कहता है कि अगर इतने बड़े बड़े ईजादात करने वाले जहन्नम में जाएंगे तो मैं भी इनके साथ जहन्नम में जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे बाज़ अहबाब ने पूछा कि ऐसी इस तरह की बात करना क्या है कि अगर ये इतने बड़ी बड़ी ईजादात करने वाले जिन्होंने दुनिया को इतनी बड़ी ईजादात दी अगर जहन्नम में जाएंगे तो मैं भी इनके साथ जहन्नम में जाने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह के बंदो, मैं तो मुझसे कोई अगर इस तरह की बात करे तो मैं कहूँगा कि ठीक है, अगर आप इसी हालत पे आपकी मौत हो गई तो फिर यकीनन आप इन लोगों के साथ जहन्नम में जाएंगे। अगर कोई ये कहता है कि इन सब के साथ मैं भी जहन्नम में जाने के लिए तैयार हूँ तो ठीक है, अगर आप इसी अकीदे पे मर गए कि ये सब के सब जहन्नम में जाएंगे तो फिर आप जो है आप भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हैं तो फिर अल्लाह ताला आपको भी इन लोगों के साथ जहन्नम में डालने वाला है। अल्लाह ताला ने काफिर के लिए जन्नत में जाने के रास्ते बंद करके रख दिए। इस्लाम वाहिद दीन है जिस रास्ते पर चलने के बाद बंदे की नेकियों में कोई वैल्यू शुरू होती है। अगर बंदे के पास नेकियां हैं, बहुत सारी नेकियां हैं, लेकिन उसके पास ईमान नहीं है, उसके पास इस्लाम नहीं है, तो उसकी नेकियों की अल्लाह की नज़र में कोई वैल्यू ही नहीं है। अल्लाह ने फरमाया कि फला नुकीम लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, क़यामत के दिन उनकी नेकियों का कोई वजन ही नहीं होगा। जैसे एक सिक्का होता है ना, एक जो है वो कोई करेंसी होती है, करेंसी पर जब तक हुकूमत की तरफ से मार ना लगी हो और मखसूस अलामात जो एक साइंस होते हैं वो मौजूद ना, तो उस करेंसी की दुनिया में कोई वैल्यू नहीं होती। वैसे ही जितनी भी नेकियां हो, कितनी बड़ी क्यों ना हो, अगर उस पर ईमान का ठप्पा नहीं लगा है, अगर ईमान की अलामतें नहीं मौजूद हैं, अगर ईमान के साथ वो नेकियां नहीं की गई हैं, वो नेकियां कितनी ही बड़ी क्यों ना हो देखने में, अल्लाह ताला की उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। फला नुकीम लहुम यौमल क़ियामति वज़ना वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअल्लाहु हबाअन मंसूरा। अल्लाह ने फरमाया इन्होंने जो भी अमल किया होगा हम उसकी तरफ मुतवज्जह होंगे और उसको राख का ढेर बना देंगे। राख आपने देखा है ना, राख का ढेर देखने में बहुत बड़ा होता है। कोई चीज आप छोटी सी जलाते हैं, कागज ढेर बहुत बड़ा बन जाता है, देखने में बहुत बड़ा लगता है, पर उस राख के ढेर की कोई वैल्यू नहीं होती है। हाँ, जब बाज़ लोगों ने कहा कि धूल बना देंगे तो धूल के ज़र्रात देखने में कितने ज्यादा लगते हैं। हबाअन मंसूरा, आपने कभी देखा होगा कि एक जो है वो कभी आप अंधेरे कमरे में बैठे होते हैं और छोटी सी कहीं से रोशनी आ रही होती है तो उसके अंदर जर्रात होते हैं बहुत सारे, इतने जर्रात कि आप गिन नहीं सकते। ऐसे ही बाज़ मरतबा काफिर के आमाल जर्रात की तरह दिखते, बहुत जर्रात है पर उनका कोई वजन नहीं है, वो हवा में उनका कोई वजन नहीं है, वो आपको तौल नहीं सकते उन जर्रात को क्योंकि उनका कोई वजन नहीं है। अल्लाह ने फरमाया हम उनको काफिरों का ऐसे ही बना देंगे जैसे राख का ढेर है या जैसे जर्रात है हवा के अंदर, देखने में तो बहुत ज्यादा है, आप गिन नहीं सकते, पर उनका कोई वजन नहीं है। आमाल के अंदर जो वजन पैदा होता है ना वो ईमान के साथ पैदा होता है। तो जो ईमान की हालत में नहीं मरा उसने कितने ही आमाल कर लिए, मैं दुनिया में हमको दिखाई देता है कि काफिर जो है वो इतनी ज्यादा चैरिटी कर रहे हैं और इतना ज्यादा नेक काम कर रहे हैं, इनकी नेकियों का अल्लाह की नजर में कोई वजन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नेकियां ईमान के साथ नहीं की गई हैं, ये रसूलुल्लाह पर ईमान के साथ नहीं की गई, ये कयामत बहुत सारे इनमें करने वाले मुलीद है, उसको अल्लाह ताला से अजर चाहिए ही नहीं, उसको जन्नत में नहीं जाना है। वो खुद बोलता है बाज़ मरतबा कि मैं जहन्नम में जाने के लिए तैयार हूँ। तो जब उसने वो अमल अल्लाह को राजी करने के लिए किया ही नहीं है तो उसके अमाल का अल्लाह ताला बदला क्यों देगा? रहा मामला कि दुनिया में किसी ने इजादात कर दी, किसी ने पोलियो का, किसी ने चेचक का कोई एक दवा ईजाद कर ली, तो अल्लाह के बंदो ये इजादात अल्लाह ताला काफिरों के हाथ से कराते हैं, ये उनका अपना दिमाग नहीं है, ये अल्लाह ताला ने उनको तौफीक दी, अल्लाह बल्कि दुनिया क्या दीन ही का बहुत सारा नफा बाद मरतबा काफिरों से मिल जाता है। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लम ने एक आदमी को जिसको अल्लाह के नबी सल्लम ने जो है ना सहाबा देख रहे थे कि वो जंग में बहुत आगे बढ़ बढ़ करके लड़ रहा है, अल्लाह ने फरमाया वो जहन्नम में जाएगा। साहबी जो है वो पीछे लग गए, देखने लगे कि इतना बड़ा मुजाहिद और इतना बहादुर और निडर शख्स
जिसने कुश्तों के पुश्ते लगा दिए दुश्मनों की फौज के और वो जहन्नम में जगह लगने फरमाया। तो साहबी पीछे पीछे गए तो देखा कि एक जगह पे जाकर के बंदा बड़ी जा मर्दी से लड़ा लेकिन आखिर में आकर के अपने जख्मों से चूर होकर के उसने खुदकुशी कर ली। साहबी ने आकर के अल्लाह के नबी सल्लम के सामने बताया और दोबारा अल्लाह के नबी रिसालत की गवाही दी, कलमा पढ़ा। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ताला बाज मरतबा इस दीन की हिमायत फाजिरों से भी करा लेता है। दीन का फायदा हो जाता है गुनाहगार लोगों से, किसी से दीन का फायदा हो गया इसका ये मतलब नहीं कि अब अल्लाह उसकी गुनाह भी जो है वो नेकियों में कन्वर्ट हो गए। उसने अल्लाह पे कोई एहसान नहीं किया, अल्लाह ने उससे काम निकाल लिया दीन का। तो जैसे दीन का काम अल्लाह ताला निकाल लेता है, बास काफिर शख्सियतों से अल्लाह ताला दुनिया का काम भी ले लेता है, उनको तौफीक दे देता है दुनिया का काम करने की, उनको तौफीक देता है चैरिटी करने की, उनको तौफीक दे देता है जो माइग्रेट्स होते हैं उनको पनाह देने की, उनको अल्लाह ताला तौफीक दे देता है बहुत सारे अखलाक के काम कर लेने की। लेकिन अल्लाह ताला ने तय कर दिया है जन्नत अल्लाह की है, जन्नत ना मेरी है, जन्नत ना आपकी है, जन्नत अल्लाह की है। और अल्लाह ने तय कर दिया कि अल्लाह ताला हालत कुफ्र में मरने वालों के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत नहीं रखी है। अल्लाह ने तय कर दिया है कि हालत कुफ्र में मरने वाले हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाएंगे। हम मखलूक होकर के मखलूक के बारे में फैसला नहीं कर सकते, पर खालिक मखलूक के बारे में फैसला करता है, रब अपनी महबूब के बारे में फैसला करता है। अल्लाह ने कायनात में इंसानों को पैदा किया, उसने इम्तिहान के लिए पैदा किया और उसने नतायज तय कर दिए। इस इम्तिहान में जो कुफ्र की हालत में मरेंगे वो जहन्नम में जाएंगे। हम नहीं होते कोई तय करने वाले कि हम तय कर दें कि नहीं नहीं अल्लाह ताला आपको जहन्नम में डालना है, आप उनको जन्नत में डालेंगे। हम कौन होते हैं? इम्तिहान देने वाला फैसला नहीं करता है, इम्तिहान लेने वाला फैसला करता है। इम्तिहान लेने वाला अल्लाह है, अल्लाह ने हमको इम्तिहान के लिए पैदा किया। अल्लाह खलक अल मौत अवल हयात अली अब्लूअकुम, अल्लाह ने मौत और जिंदगी बनाई है ताकि तुमको आजमाए। अल्लाह आजमाइश कर रहा है, अल्लाह इम्तिहान ले रहा है, अल्लाह हमारा टेस्ट चल रहा है। अल्लाह ताला ने ये फैसला किया है कि तुम्हारे इम्तिहान देने वालों में जो कुफर की हालत में मिलेंगे मैं उनको जहन्नम में डालूंगा। हम इम्तिहान देने वाले हैं, हम कौन होते हैं फैसला करने वाले कि अल्लाह ताला फलाने को तुम जन्नत में डालना है, फला को तुमको जन्नत में डालना है, फला को तुमको जन्नत में डालना है? नहीं, हम फैसला करने वाले कोई नहीं होते। तो कुफर बड़ा खतरनाक जुर्म है, हमको इस आयत से भी पता चला ना कि कुफर बड़ा खतरनाक जुर्म है। अल्लाह ताला बड़े से बड़ा गुनाह माफ कर देगा, जिना चोरी कोई भी बड़ा से बड़ा गुनाह माफ कर सकता है, कुफर अल्लाह माफ नहीं करेगा। इसलिए पहली हमारी कोशिश अपनी जात के लिए भी होनी चाहिए कि हम अपने अकीदे को कुफर से बचा करके रखें, और कुफर से बचाने के लिए अकीदे पर अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। कुफर इतना बड़ा गुनाह है कि अगर कुफर के साथ बंदा मर गया तो फिर उसके लिए जन्नत के रास्ते बंद है। इसलिए हमको पहली मेहनत अपने ईमान के लिए करनी। आमाल की बहुत अहमियत है, पर आमाल भी कब अहम होंगे? जब वो ईमान के साथ किए जाए। इसलिए हमारी तरबियत का, हमने अपनी तरबियत के लिए जो मनहज बनाया है, हर एक ईमान वाले का अपनी तरबियत के लिए प्लान होना चाहिए, और उस प्लानिंग में पहले नंबर पर होना चाहिए कि मुझे अपने अकीदे की इस्लाह करनी है, मेरा अकीदा दुरुस्त रहे, मेरा अकीदा मजबूत रहे। शुभात की आंधी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक दौर ऐसा आएगा युस्बिहु रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन व युमसी मुमिनन व युस्बिह काफिरन, एक आदमी सुबह के वक्त मोमिन होगा शाम को काफिर हो जाएगा, शाम के वक्त मोमिन होगा सुबह को काफिर हो जाएगा। जब कुफ्र और इर्तिदाद की लहरें उठेंगी तो सबसे कीमती चीज जिसकी मुझको हिफाजत करनी हो मेरा अकीदा है। अपने लिए तरबियत का जो प्लान हम बनाएं उसमें हम पहले नंबर पे रखें कि मुझे अपना अकीदा दुरुस्त करना है। दीन के नाम पर जब हम सोचते हैं और अपनी तालीम और तरबियत के लिए कोई फिक्रमंद होते हैं तो बहुत अफसोस की बात यह है कि हमारे लिए बस ये होता है कि कुरान पढ़ना सीख जाएं या फिर कुछ अखलाकी मामला दुरुस्त कर लें। नहीं, पहले ईमान अपना मजबूत करना है, पहले अकीदा अपना मजबूत करना है, शुबहात से अपनी नफ्स को बचाना है। बाज़ मरतबा लोग इबादतों में बहुत मेहनत करते हैं पर क्योंकि ईमान और अकीदे पे मेहनत नहीं होती तो शुबहात की हल्की सी आंधी चलती है और उनके ईमान को ले उड़ती है। जो चीज़ जितनी कीमती होती है उसकी हिफाजत उतनी ज़रूरी होती है। हमारे पास आमाल भी है अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी भी हिफाजत करनी है, लेकिन सबसे कीमती चीज़ जो हमारे पास है वो हमारा अकीदा है। इस अकीदे के साथ, इस ईमान के साथ अगर हम मर भी गए, आमाल कुछ कम भी हुए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श देगा, हमारे आमाल की कोताही अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत से उसकी भरपाई कर देगा। लेकिन अगर अकीदे में खराबी रही, अगर अकीदा कुफ्र का शिकार हो गया तो फिर आमाल का जो दर्जों का आमाल लेके चले जाए अल्लाह के हुजूर में उसको कोई फायदा नहीं होगा। तो क्योंकि सबसे कीमती चीज हमारे पास अकीदा है, इसलिए इस अकीदे की हिफाजत पर हमको अपने लिए भी ज़ाती तौर पे तवज्जो देनी है, और फिर हम अपने अलावा दूसरों के लिए जो तरबियत का एक निसाब बनाते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने मदरूवीन के लिए जिनको हम दावत देते हैं दीन की तरफ, इनके लिए भी जो हम एक निज़ाम और निसाब तरतीब देते हैं उसमें अव्वल नंबर पे अकीदा रखना है। अपने बच्चों को पहले अकीदा सिखाना है। अगर बच्चों के लिए फिक्र है कि जहन्नम में ना जाए तो पहले अकीदे पे उनकी तरबियत करनी है। हम बच्चों के लिए तरबियत का निज़ाम बनाते हैं, हमारी सबसे ज़्यादा तवज्जो होती है कि मेरे बच्चों को कुरान पढ़ना आ जाए। शुरुआत हमारी तरबियत कुरान से होती है और इख्तिताम कुरान पर ही हो जाता है।
कुरान पढ़ना आ जाए, हाफिज जी को लगा दिया या किसी खाला माँ के पास भेज दिया, कुरान पढ़ना आ गया, कुरान एक बार खत्म कर दिया, हम समझते दीनी तालीम खत्म हो गई। अल्लाह की बंदियों, अल्लाह के बंदो, अपने बच्चों को पहले ईमान सिखाओ, पहले अकीदा सिखाओ। अल्लाह के नबी सल्लम ने जो तरबियत का मनहज बताया था उसमें ईमान पहले था। साहबा कहते हैं तअल्लम नल ईमान सुम तअल्लम नल कुरान फजदना ईमाना, पहले हमने अल्लाह के नबी से ईमान सीखा फिर कुरान सीखा, और जब हमने कुरान सीख लिया तो हमारा ईमान बढ़ गया। बच्चों के निसाब में अकीदा पहले होना चाहिए, जो दावत दे हम लोगों को दीन की तरफ बुलाए उसमें अकीदे की तरफ पहले तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अगर अकीदा खराब हुआ तो हमारे लिए जहन्नम फिक्स है। खालिदीन फीहा, हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे, कभी जहन्नम से बाहर निकलना ही नहीं, क्योंकि जिंदगी भर, अब ये कोई आदमी सोच सकता है अल्लाह तआला रहमुर रहीमीन है वो कैसे इंसानों को हमेशा हमेशा जहन्नम में डाल देगा, ये तो उसकी रहमत के खिलाफ है। लेकिन नहीं, अल्लाह तआला रहमुर रहीमीन तो है, लेकिन वो रहीम रहीम होने के साथ साथ, वो रहमान होने के साथ साथ वो अदल करने वाला भी है। अल्लाह तआला अदल है, अल्लाह तआला इंसाफ करने वाला है। अदल का तकाजा ये है कि गुनाह करने वालों को उनके गुनाहों की सजा दी जाए, जैसे नेकी करने वालों को उनकी नेकी का जजा दी जाती है। अल्लाह तआला कुरान में फरमाया अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन मालकुम कैफ तहकुमून, क्या हम मुसलमानों को और मुजरिमों को बराबर कर देंगे। एक आदमी जिंदगी भर तौहीद पर जिंदा रहा, अल्लाह तआला की इबादतें करता रहा, बंदों के साथ उसने सुलूक करता रहा, और एक आदमी कुफ्र की हालत में मरा है, जिंदगी भर जुल्म किया उसने, ना अल्लाह के हुकूक पूरे किए ना बंदों के हुकूक पूरे किए, तुम ये कहते हम दोनों को बराबर कर देंगे। मालकुम कई फताह कुमून, ये तुम कैसी बात कर रहे हो, ये तो अल्लाह के अदल के खिलाफ हो जाएगा कि नेक और बदकार बराबर हो जाए। रात और दिन एक नहीं हो सकते, जैसे ही नेक और बदकार बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह के अदल का तकाजा ये कि जैसे नेकी करने वालों को उनकी नेकियों का अजर दिया जाए, वैसे जालिमों को उनके जुल्म का बदला दिया जाए। क्योंकि ये जालिम जिंदगी भर गुनाह करता रहा मौत से पहले की जिंदगी में, तो मौत की जिंदगी के बाद हमेशा हमेशा वो जहन्नम में रहेगा। ये कुफ्र के साथ सिर्फ ये खास है ना, बंदा अगर कुफ्र नहीं करता है, वो किसी गुनाह के साथ मर जाता है, अव्वलन तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह माफ फरमा देगा, माफ ना भी फरमाए अल्लाह तो हमेशा हमेशा तो जहन्नम में नहीं जाएगा। मुसलमान अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम में जाएंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे। अल्लाह ताला हमको जहन्नम के अजाब को से बचने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना सरिफ अन्ना अजाब जहन्नम इन अजाबहा काना गरामा, अल्लाह ताला हमको जहन्नम के अजाब से बचाना, बेशक जहन्नम का अजाब बहुत बड़ा तावान है। जहन्नम में जाएंगे मुसलमान, अल्लाह ने फरमाया कि बहुत सारे युअज़्ज़बुनासु मिन अहली तौहीद हत्ता यकूनु फीहा हुमामा, अहले तौहीद को भी अजाब दिया जाएगा यहाँ तक कि वो जहन्नम में जल के कोयला हो जाएंगे, जाएंगे जहन्नम में। लेकिन कभी ना कभी शायद हजारों साल बाद, शायद करोड़ों साल बाद, हम नहीं जानते जहन्नम का अजाब एक ईमान वाले के लिए कितना ज्यादा होगा, लेकिन कभी ना कभी जिंदगी के किसी मरहले में अल्लाह ताला उनको माफ फरमाएगा, उनके हक में सिफारिशें की जाएंगी, उन सिफारिशों को कबूल किया जाएगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जहन्नम से निकाल देगा। ये खालिदीना फीहा का जो मसला है वो सिर्फ काफिरों के लिए, सिर्फ काफिरों के लिए कि वो कभी जन्नत में नहीं जाएंगे, कभी उनके लिए खत्म, जन्नत में आने का रास्ता बंद कर दिया जाएगा, मौत को ला करके जबा कर दिया जाएगा। अब ना इस अजाब में तकलीफ होने वाली है, ना ये अजाब कभी खत्म होने वाला है। मुसीबतें बड़ी आती है ना, तो आदमी ये सोच करके तसल्ली कर लेता है कि चलो मुसीबत की रात कितनी लंबी है, कभी ना कभी तो रहमत का उजाला आएगा, अल्लाह ताला की मदद का सवेरा निकलेगा। लेकिन जब मुसीबत के बारे में बंदे को ये यकीन हो जाए ना कि अब ये मुसीबत खत्म नहीं होने वाली, अब ये मुसीबत हमेशा हमेशा रहने वाली है, उस मुसीबत का अजाब डबल हो जाता है। बाकायदा जन्नतियों के सामने, जहन्नमियों के सामने मौत को जबा बंद कर दिया जाएगा जानवर की शक्ल में, और जहन्नम ये समझ लेगा कि अब खत्म नहीं। बड़ी से बड़ी मुसीबत हो, आप ये सोच करके तसल्ली कर लेते हैं चलो कभी ना कभी तो खत्म होगी, कभी ना कभी तो इसमें इत्मीनान मिलने वाला है, कभी ना कभी तो राहत मिलेगी, सुकून मिलेगा। जहन्नमियों को जब उसके सामने मौत जबा कर दी जाएगी, अब वो समझेगा कि ये ना खत्म होने वाली जिंदगी हमेशा हमेशा, जहन्नम की जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी। खालिदीन फीहा, हमेशा हमेशा उनके अंदर रहेंगे। फिर एक उम्मीद ये बच जाती कि चलो हमेशा हमेशा ही रहना है, लेकिन शायद बीच में कुछ गैप मिल जाए, थोड़ी सी राहत मिल जाए, थोड़ा इत्मीनान मिल जाए, अजाब थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाए, कुछ तकफीफ कर दी जाए। ला युखफ्फ अन्हुमुल अज़ाब, ऐसा भी नहीं होगा, अजाब में जरा बराबर तखफीफ नहीं होगी। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम के अजाब से महफूज रखे। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को, हमारी औलाद को, हमारे वालदेन को, हमारे बुजुर्गान, हमारे खानदान के जो बुजुर्ग वफात पा चुके हैं, उन सबको जहन्नम के अजाब से बचाए। जहन्नम का अजाब हल्का अजाब नहीं है। काफिर के लिए जो अजाब रखा है अल्लाह ने, कितनी बड़ी रहमत की कि हमको इस अजाब से और उन जराइम से महफूज रखा है जिनके लिए अल्लाह ने अजाब रखा है। अल्लाह हमको जिंदगी भर इससे महफूज रखे। ईमान की हालत में हमारी मौत देना रब्बुल आलमीन। ला युखफ्फ अन्हुमुल अज़ाब, ऐसा भी नहीं होगा कि हाँ थोड़ा सा अजाब में तकलीफ हो जाए, चलो एक दिन की छुट्टी है, चलो एक घंटे के लिए रेस्ट कर लो, चलो 10 मिनट के लिए तुमको अजाब नहीं दिया जाएगा, एक मिनट के लिए भी
अजाब की तख़फीफ़ नहीं होगी। मुसलसल अजाब, मुसलसल अजाब, मुसलसल अजाब, एक मिनट की तख़फीफ़ नहीं है। थोड़ी सी राहत तो उसके साथ नहीं ले सकता बंदा, कोई एक ऐसे लम्हे का इंतजार नहीं करता कि जिस लम्हे एक अजाब, उसके बाद दूसरा अजाब, तीसरा अजाब, मुसलसल अजाब में वो रहेंगे और उनकी जिस्मानी हैत ऐसी बना दी जाएगी कि अजाब को झेलते रहेंगे वो। ला युख़फ़फ़ अन्हुमुल अज़ाब, उनको जर्रा बराबर अजाब में तख़फीफ़ नहीं की जाएगी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया एक जगह पर, वकाल लदीना फिन्नारी लिखज़रत जहन्नम उद्उ रब्बकुम युख़फ़फ़ अन्ना यौमा मिनल अज़ाब, क्या हालत होगी काफिरों की। अल्लाह ताला फरमा रहे जो लोग जहन्नम में होंगे वो जहन्नम के दारोगा से कहेंगे, जहन्नम के निगरानों से, जो निगरानी करने वाला है दारोगा मालिक, उससे कहेंगे उद्उ रब्बकुम, अपने रब से कहो, पुकारो, दुआ कर दो, युख़फ़फ़ अन्ना यौमा मिनल अज़ाब, एक दिन अजाब का हल्का कर देगा। किसी मायूसी होगी, वो जहन्नम से निकलने की दुआ नहीं करेंगे, क्या दुआ करेंगे, कोई मायूसी, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, झेलना ही है, तो कम से कम एक दिन तो छुट्टी मिल जाए, कोई एक दिन ऐसा हमारी जिंदगी में आ जाए जिसमें अजाब नहीं हो, अजाब ना झेलना पड़े, एक दिन के लिए दुआ मांगेंगे। आप सोचिए मायूसी की इंतहा है, नहीं ये नहीं कह रहे कि जहन्नम का अजाब हमको जहन्नम से निकाल दे, कह रहे उसका तो कोई इम्कान बाकी नहीं रह गया, कम से कम एक दिन तो मिल जाए ऐसा जिसमें अजाब ना हो। قالوا اولم تكو تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى, फरिश्ते कहेंगे अच्छा अब अफसोस हो रहा है, अब डर रहे हो, क्या अल्लाह के रसूल वाज़ह निशानियां लेकर के तुम्हारे पास नहीं आए थे, तुमको आयतें नहीं सुनाई गई थी, तुमने अपनी खुली आंखों से अल्लाह ताला के माबूदे बरहक होने की निशानियां नहीं देखी थी। قالوا بلى, कहेंगे क्यों नहीं देखा तो था। قالوا فدعوه وما دعاء الكافرين الا في ضلال, तो खा जाएगा फिर दुआ करो, और काफिरों की दुआएं सिवाय गुमराह, काफिरों की दुआएं सिवाय गुमराही का कुछ नहीं है, सब हवा में जाएंगी, उन दुआएं का कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह ताला जब दुआ करने का मौका था तब तो तुमने दुआएं नहीं की, अब तुम लाख दुआएं करो, वो लोग मौत को पुकारेंगे कि मौत आ जाए, उनसे कहा जाएगा अल्लाह तद उलियो मसबूर वाहिद वदूर कतीरा, आज एक मौत के लिए दुआ मत करो, अब तो मुसलसल मौत के लिए दुआ करो, अब तुमको ऐसी हालत में कि तुम बस मरना ही है, ला यमूतु फीहा वला यहया, उसको ऐसी जिंदगी होगी कि ना उसको जिंदगी कहा जा सकता है ना मौत कहा जा सकता है। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। ये काफिर की हालत होगी, इस काफिर की हालत को इमेजिन करें और सोचें कि अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी नेमत आप पर की है कि अल्लाह ताला ने आपको दीन की दौलत से सरफराज फरमा दिया, आपको मुसलमान बनाया है। हम में से बेशतर लोग हम में से ऐसे हैं जिनको ये इस्लाम की नेमत अपने वालिदैन से विरासत में मिली है। कितनी बड़ी नेमत है ये, कितनी बड़ी नेमत, अल्लाह ताला कितने बड़े अजाब से हमको बचा लिया, हमको चुन लिया है, अल्लाह ने हमको चुन लिया है अपने दीन की दायत के लिए, हमको मुसलमान घराने में पैदा करके चुन लिया, और जिनको मुसलमान घराने में पैदा नहीं किया उनको तो और समझना चाहिए, काफिर घराने में पैदा होने के बावजूद अल्लाह ने उनको मुंतखब करके जहन्नम के रास्ते से हटा करके जन्नत के रास्ते पर डाल दिया। कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, वो नेमत जो हज़रत नूह की बीवी को नहीं मिली, वो दुआएं मांगते रहे, बेटे को नहीं मिली, वो दुआएं मांगते रहे, हज़रत लूत की बीवी उससे महरूम रह गई, हजरत इब्राहिम के अब्बा महरूम रह गए, अल्लाह के नबी के चचा महरूम रह गए। अल्लाह ताला ने कितना बड़ा रहम हम पर किया कि हमको बगैर मांगे इस्लाम की नेमत दे दी। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने उस जुर्म से बचा करके रखा है जिस जुर्म का सिला यह है कि एक दिन भी अजाब की तकलीफ नहीं होगी, ऐसा शदीद तरीन अजाब जिसको हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, एक दिन भी तकलीफ नहीं की जाएगी उनके लिए। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए, खालिदीन फीहा ला युख़फ़फ़ अन्हुमुल अज़ाब, वो हमेशा हमें जहन्नम में रहेंगे और कभी उनको जो है थोड़ा सा भी अजाब में तख़फीफ़ नहीं होगी। वला हुम युनज़रून, और ना ही उनको मोहलत दी जाएगी। बाद लोगों ने कहा युनज़रून जो है वो नज़र से है कि उनको देखा नहीं जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, इग्नोर किया जाएगा, कोई नज़र रहमत अल्लाह पे नहीं फरमाए, और बाद लोगों ने कहा युनज़रून जो है वो मोहलत से, इंतजार से, कि थोड़ी सी मोहलत दी जाए, थोड़ा सा रेस्ट करने दे दिया जाए, थोड़ा सा उनको एक मौका और दे दिया जाए कि चलो ठीक है फिर से दुनिया में जा करके और फिर नेक अमल कर सको। नहीं, वला हुम युनज़रून, उनको कोई मोहलत नहीं दी जाएगी, दुनिया में मोहलत मिली है, इस मोहलत की कदर करें। अल्लाह ताला ने मरने की हद तक, आखिरी सांस तक के सकरात जब तक यकीन ही ना हो जाए, अल्लाह ताला ने तौबा के दरवाजे खुल करके रखे, दुनिया की मोहलत का फायदा उठा लें। एक बार दुनिया की मोहलत खत्म हो गई फिर आखिरत में कोई मोहलत नहीं है, कोई मौका नहीं है, ये कोई इम्तिहान ऐसा नहीं है कि आप एक अटेम्प्ट में फेल हो गए नेक्स्ट अटेम्प्ट में हो सकता है पास हो जाएंगे, एक ही जिंदगी मिली इम्तिहान के लिए। अगर ये जिंदगी इसमें अल्लाह की दी हुई मोहलत से फायदा नहीं उठा सके
फिर उसके बाद लाख आप मोहलत मांगे, मोहलत नहीं दी जाने वाली, फिर मौका नहीं दिया जाने वाला, इसलिए इस मोहलत से फायदा उठाएं। वला हुम मिंदरून, और उनको किसी तरह की मोहलत नहीं दी जाएगी। वा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा रहमानुर रहीम, और तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है। इलाह का मतलब होता है माबूद, जिसकी जिसकी इबादत की जाए, जिसकी वर्शिप की जाए, जिसको पूजा जाए। इलाह असल में अल्लाह से बना है मालूह के माना में। अलमालूह का मतलब होता है जिसकी इबादत की जाए, ताज़ीम से, मोहब्बत से। इबादत क्या होती है? इबादत एक तरह की ताज़ीम और एक तरह की मोहब्बत का इजहार होता है ना। जो इंसान किसी चीज़ को पूछता है, वो उसकी पूजा में क्या होती है? उसकी पूजा में एक तो मोहब्बत होती है, इंतहा दर्जे की मोहब्बत। कोई इंसान ऐसे माबूद को अपना माबूद तो नहीं मानता ना जिससे वो मोहब्बत ही ना करता, नफरत करता हो। मोहब्बत जब अपने इंतहा में चली जाती है तो वो इबादत बन जाती है। ऐसे ही ताज़ीम जब अपनी इंतहा को चली जाती है तो वो इबादत बन जाती है। मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, गायत गायत ताज़ीम इबादत कहते हैं, इंतहा दर्जे की ताज़ीम को। एक रिस्पेक्ट होती है जो हम अपने वालिदैन की करते हैं, अपने असातिज़ा की करते हैं। ये रिस्पेक्ट एक महदूद महदूद एक एक लिमिटेड जो है वो एक तरीके पे होती है। पर जब रिस्पेक्ट जो है वो अपने लिमिटेशन को क्रॉस कर जाए तो वो इबादत बनती है। जैसे मैं बार बार एक शेर गालिबन मलिक ज़ादा मंजूर का है, वो मैंने इससे पहले भी पढ़ा है कि रस्म ताज़ीम न रुस्वा हो जाए, इतना मत झुकिए कि सजदा हो जाए। आप किसी से झुक करके मिलते हैं, आपका तवाज़ो है, आपकी 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 इंकसारी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन झुक करके मिलना और सजदा करना दोनों में फ़र्क होता है। झुक करके मिलना ताज़ीम है, सजदा करना इबादत हो जाता है। तो इबादत क्या होती है? इबादत होती है इंतहा दर्जे की ताज़ीम, इंतहा दर्जे की मोहब्बत, इंतहा दर्जे का तज़ल्लुल। जब आप किसी को अपना माबूद बनाते हैं तो आप अपने आप की हैसियत उसके सामने ख़त्म कर देते हैं। आप अपना सर उसके सामने झुका करके बता रहे हैं कि आप उसके सामने, आप उसके सामने आपकी कोई हैसियत नहीं। फरमाया ये माबूद तो सिर्फ एक है, इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा, तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, अल्लाह ही है। मतलब हकीकत में इबादत का मुस्तहिक सिर्फ एक ही है, ला इलाहा इल्ला हुवा, नहीं है कोई माबूद बरहक मगर वो। ला इलाहा बेहक नहीं, ला इलाहा बेहक नहीं, ला माबूदा बेहक नहीं इल्लल्लाह। यहाँ पे इलाह के बाद जो है ना हक महजूफ है कि बरहक माबूद कौन है? वो सिर्फ अल्लाह है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद एग्जिस्ट ही नहीं करते। बास जो सूफिया है ना वो ला इलाहा बेहकीन के बजाय कहते हैं ला इलाहा मौजूद इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह मौजूद नहीं है। ये बात गलत है। अल्लाह के अलावा भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो पाए जाते हैं जिनकी इबादत की जाती है, पर वो माबूदाने बातिल है और अल्लाह जो है वो माबूद बरहक है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया ज़ालिका बिअन्नल्लाहा हुवल हक वअन्ना मा यदउन मिन दूनिल्लाहि हुवल बातिल। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि अल्लाह ही है जो हक है और अल्लाह के अलावा जिनको पुकारा जा रहा है वो बातिल है। तो दुनिया में माबूद तो बहुत सारे पाए जाते हैं, माबूद बरहक सिर्फ एक है। इसलिए जब भी हम ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जमा करते हैं तो हम क्या कहते हैं? ला इलाहा इल्ला हुवा, नहीं है कोई माबूद बरहक, नहीं है कोई पूजा के लायक, नहीं है कोई वर्शिप के लायक, वर्शिप का हक रखने वाला, इबादत का मुस्तहिक मगर सिर्फ अल्लाह। बाकी इलाह इस माने में कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको पूजा जाता है तो जाहिर सी बात है। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया वमा ज़लमनाहुम वलाकिन ज़लमू अन्फुसहुम, हमने इन काफिरों पे जुल्म नहीं किया, इन मुशरिकों पे जुल्म नहीं किया, इन्होंने अपने आप पर खुद जुल्म किया। फमा अगनत अनहुम आलिहतुहुम, तो उनके माबूदों ने उनको कोई फायदा नहीं पहुंचाया। उनके माबूदों ने उनको कोई फायदा नहीं पहुंचाया मतलब उनके माबूद थे, ऐसे लोग थे जिनकी वो पूजा करते, पर उन्होंने क़यामत के दिन उनको कोई फायदा नहीं पहुंचाया। तो इलाहुकुम इलाहु वाहिद, तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है। क्यों? क्योंकि एक ही रब है। जब रब एक है तो माबूद एक होना चाहिए। खालिक एक है, मालिक एक है, तुमको रिस्क फराहम करने वाला एक है, तुम्हारे उमूर में तदब्बुर करने वाला एक है, तुम्हारा जिम्मेदार एक है, तुमको नेमतें दाने वाला एक ही है। तो जो रब है वही माबूद होना चाहिए। तो क्योंकि रब एक है तो माबूद भी एक ही है। तुमको तुम्हारी परवरिश और तरबियत, तुम्हारी तख्लीक, तुम्हारा मालिक, तुमको रिस्क देने वाला क्योंकि एक है, तो लिहाजा ला इलाहा इल्ला हुआ, उसके अलावा कोई माबूद नहीं। इलाहुकुम इलाहु वाहिद की ताकीद के तौर पर फरमाया गया ला इलाहा इल्ला हुआ, और ये कलिमा बहुत बड़ा कलिमा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। ये इतना ज़बरदस्त कलमा है, सारी कायनात इस कलमे के लिए पैदा की गई है, दुनिया इस कलमे के लिए बनाई गई है, रसूल इस कलमे के लिए भेजे गए। ये कलमा हमारी ज़बान से बहुत आसानी से निकल जाता है, पर इस कलमे का वज़न हमको नहीं पता है। अल्लाह ने फरमाया कि अगर सातों आसमान और ज़मीन तराजू के एक पर्रे में रख दिया जाए और ला इलाहा इल्लल्लाह
तराजू के दूसरे पटरे में रख दिया जाए, लमाद बिहिन्ना, ये कलिमा इतना वजनी है, इसके अंदर इतनी बड़ी मानवीयत भरी हुई है कि एक कलिमा जमीन आसमान पे भारी हो जाए और जमीन आसमान एक कड़े की तरह हो और ला इलाहा इल्लल्लाह को उससे गुजारा जाए तो कला टूट जाए। ये बड़ा अजीम कलिमा है और हम बड़े खुशनसीब लोग हैं जो इस कलिमा की गवाही देने वाले। अल्लाह ताला ने अपने नबियों को ये कलिमा देकर के भेजा, हर नबी आया तो उसने सबसे पहले अपने कौम वालों को इस कलिमे की तरफ दावत की, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये कलिमा दो चीजों पर मुश्तमिल है, इनकार और इस बात। ला इलाहा, कोई माबूद नहीं है, सबसे पहले इनकार मतलूब है। पहली चीज ये है कि अल्लाह के अलावा पूजी जाने वाली जितनी चीजें हैं, चाहे वो जानदार हो चाहे वो बेजान हो, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, चाहे वो अंबिया फरिश्ते हो चाहे वो काफिर लोग हो, हर अल्लाह के अलावा पूजे जाने वाली चीजों का इनकार मकसूद है। हर उस चीज का इनकार करो जिसको अल्लाह के अलावा पूजा जाता है, पहला मकसूद इनकार है। फिर उसके बाद इल्ला हुआ, सिवाय अल्लाह के, ये इस बात है। इनकार और इस बात, इन दोनों से मिल करके ही तौहीद मुकम्मल होती है। बंदा अल्लाह की इबादत कर रहा है और अल्लाह के अलावा दूसरी चीजों को भी उसने माबूद समझा हुआ है, उसके इस बात का कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप गैरुल्लाह को भी सोचते हैं कि इनकी भी इबादत के मुस्तहिक है, जैसे हमारे यहाँ एक सेक्युलर तबका जो है ना, वो जो एक मजहबी सेक्युलर तबका है, वो कहता है कोई मसला नहीं, सब अल्लाह ही के रूप हैं, कोई अलग उसको नाम से पुकारता है, कोई अलग नाम से पुकारता है, इनको बुतों में भी अल्लाह दिख रहा है, हम वैसे मस्जिद में जाके अल्लाह, सब अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, सबके लिए गुंजाइश होना चाहिए, सब जन्नत में जाएंगे, ऐसा शख्स ये ला इलाहा का तकाजा पूरा नहीं कर रहा, ये मुसलमान नहीं। इसलिए हम कहते हैं ना कि ला इलाहा का पहला तकाजा यही है, सारे माबूदों का इनकार करो जिनकी पूजा अल्लाह के अलावा की जाती है। यहीं से दीन शुरू होता है कि अल्लाह के अलावा कोई पूजे जाने के लायक नहीं, इल्ला हुआ। फिर इस बात करना है कि अल्लाह इबादत का सच्चा मुस्तहिक है। इन दोनों अरकान में से कोई भी एक रुकन छूट गया तो बंदा मुसलमान नहीं हो सकता। अल्लाह की इबादत का इनकार करके भी वो काफिर हो जाएगा और अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत का इकरार करके भी वो काफिर हो जाएगा। और हमको इन दोनों पहलुओं पे मेहनत करनी है, अल्लाह के अलावा। वमन यकफुर बिताग़ूत वयुमिन बिल्लाह, जो तागूत का कुफ्र करे और अल्लाह पर ईमान लेकर के आए। देखिए कुफ्र की बात आई ना, तो मुसलमान भी कुफ्र करता है, पर वो किसका कुफ्र करता है? तागूत का कुफ्र करता है, वो तागूत का इनकार करता है। और तागूत क्या है? साबी कहते हैं कुल्लु मा उबिदा मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा जो भी पूजा जाता है वो तागूत है। तागूत का इनकार करने का हमको हुक्म दिया गया है, वयुमिन बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान लेकर के। तो ये दोनों जब तक के साथ में नहीं मिलेंगे, हमारी तौहीद मुकम्मल नहीं होगी। ला इलाहा इल्लहु अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही रहमान भी है और रहीम भी है। रहमान और रहीम, रहमान अल्लाह की सिफत है और रहीम ये अल्लाह का फेल। रहमान अल्लाह की रहमत की वसात पर दलालत करता है और रहीम इस बात पर दलालत करता है कि वो रहमत अल्लाह के बंदों तक पहुंचती है। तो अल्लाह ताला बेहद रहम करने वाला और निहायत मेहरबान है। अल्लाह ताला की रहमत बंदों तक पहुंचती भी है, ये अल्लाह ताला के दो नाम है, रहमान और रहीम, और प्यारे नामों में से अल्लाह के नाम है। अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा जो नाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अल्लाह ने अकेले इस्तेमाल किया हुआ रहमान का नाम है। कुरान मजीद में कई मकामात पर रहमान बगैर लफ्ज़ अल्लाह के साथ भी आ जाता है और इस रहमान के अलावा कोई नाम नहीं आता। और ख़ास तौर पर रहमान और रहीम यहाँ पर इसलिए भी कहा गया क्योंकि रहमान और रहीम अल्लाह के दो ऐसे नाम थे जिनका मुशरिकीन इनकार किया करते थे। मुशरिकीन जो है वो इन नामों का इनकार करते थे। आपको याद होगा सुलह हुदैबिया के मौके पर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखाया तो बाज मुशरिकीन जो वहाँ पे मौजूद थे, सुहैल इब्न अम्र, उन्होंने कहा कि हम तो अल्लाह को जानते हैं, रहमान और रहीम को नहीं जानते। तो आप यहाँ बिस्मिल्लाहुम्मा लिखिए, हम रहमान और रहीम को नहीं जानते। अल्लाह ने फरमाया वहुम यकफुरून बिर्रहमान, ये रहमान का इनकार करते हैं, ये अल्लाह ताला के नामों का इनकार करने वाले थे। युल्हिदूना फी अस्माईही, अल्लाह के नामों में इल्हाद करने वाले, और इल्हाद में से ये भी है कि अल्लाह के नामों का इनकार किया जाए। जब हम कहते हैं अल्लाह ताला रहमान और रहीम है, आपको याद रखना चाहिए कि हम जब भी अल्लाह ताला कोई नाम लेते हैं उस नाम जो है ना उसके तकाजे होते हैं। अल्लाह ताला के नाम जो है ना उनको हम अल्लाह ताला का सिर्फ नाम नहीं मानते बल्कि उस नाम के साथ साथ अल्लाह की सिफत भी साबित हो जाती है। अर रहमान और रहीम जो अल्लाह का नाम आया, इससे हमको एक बात तो ये पता चली कि अल्लाह ताला के दो नाम हैं, अर रहमान और रहीम, और इसके साथ हमको ये भी पता चला कि अल्लाह ताला की सिफतें भी हैं, सिफत रहमत, अल्लाह ताला के लिए रहमत की सिफत साबित करना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खास अशायरा भी जो है ना, वो अल्लाह ताला की सिफत रहमत का इनकार करते हैं। वो कहते हैं अल्लाह ताला रहमत वाला नहीं, वो उस रहमत की तावील करते हैं। तो हम ये कहते हैं अल्लाह ताला का नाम अर्रहमान रहीम है और अल्लाह ताला की सिफत भी है कि वो रहमत करने वाला है, वो रहमत करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमत करने वाला है। तो उससे सिफत रहमत भी साबित हुई और इसका तकाजा ये है अल्लाह ताला के इस नाम का कि हम वो आमाल करें जिनसे हम अल्लाह ताला की रहमत के मुस्तहिक बन सकें।
अच्छा देखिए पिछली आयतों में अल्लाह ताला की वही का जिक्र आया ना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो आसमान से हिदायतें नाजिल करता है किताब के अंदर, और यहाँ पे अल्लाह ताला का खास तौर पे जिक्र आया रहमान और रहीम का। और इन दोनों आयतों को हम साथ में जब पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि अल्लाह की रहमतें बेशुमार है। उन रहमतों में सबसे बड़ी रहमत दुनिया में जो है अल्लाह ताला की, वो ये है कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के तकाजे की वजह से ही हिदायत की शक्ल में कुरान भेजा है। पीछे जिक्र आया था ना कि जो लोग अल्लाह ताला की आयतों को छुपाते हैं, तो जो आयतों को छुपाने वाले हैं उनका जुर्म इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि उन्होंने अल्लाह की रहमत को छुपा लिया है। सबसे बड़ी रहमत अल्लाह ताला की क्या है? अल्लाह ने जो किताबें आसमान से अपने बंदों की हिदायत के लिए नाजिल की, और उन किताबों में भी सबसे बड़ी किताब क्योंकि कुरान है, इसलिए कुरान अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत। इसलिए अल्लाह ने फरमाया ना, अर-रहमान अल्लमल कुरान, रहमान है जिसने कुरान सिखाया। तो रहमान की बहुत सारी रहमतों का सूरह रहमान में जिक्र आया है ना, लेकिन सबसे पहले किस रहमत का जिक्र आया? किताब का जिक्र आया, क्योंकि किताब अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत। अल्लाह की रहमत की बहुत सारे मज़ाहिर हैं, उसमें सबसे बड़ा मजहर है अल्लाह की किताब। पीछे जो कहा ना कि अल्लाह ताला की आयतों को छुपाने वाले, यहाँ खास तौर पर रहमान और रहीम जिक्र करके एक तवज्जो इस तरफ दिलाई गई है कि वो लोग इतने बड़े मुजरिम इसलिए हैं कि अल्लाह ने फरमाया उन पर लानत है, और लानत करने वाले उन पर लानत भेजते हैं, अल्लाह उन पर लानत भेजता है। वो क्यों? क्योंकि जो कुरान को छुपाता है, जो दीन हिदायत को छुपाता है, जो अल्लाह की तरफ से नाजिल किए हुए हक को छुपाता है, वो महज एक किताब नहीं छुपा रहा, बल्कि वो लोगों को अल्लाह की रहमत से दूर करता है। इसीलिए अल्लाह भी उसको अपनी रहमत से दूर करते हैं, है ना? यलअनहुम अल्लाह का मतलब अल्लाह उनको अपनी रहमत से दूर करता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोगों को अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया। कुरान अल्लाह की रहमत है, किताब अल्लाह की रहमत है, जो अल्लाह की वही और अल्लाह की उतारी हिदायत से लोगों को दूर कर दे, फिर उसकी सजा ये कि अल्लाह ताला खुद भी उसको उसकी रहमत से दूर कर देता है। तो फरमाया हुवा रहमान और रहीम, बेशक वो रहमान और रहीम है। अल्लाह ताला की रहमत जो है ना वो दो तरह की होती है, मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, एक रहमत आम्मा और एक रहमत खासा। रहमत आम्मा यानी अल्लाह ताला की आम रहमत, मुतलक रहमत, जनरल रहमत। वो तो अल्लाह ताला के कोई बंदा ऐसा नहीं जो कह सकता हो कि अल्लाह ताला की रहमत से वो कभी भी जो है अल्लाह ताला की रहमत से वो कभी भी फ़ायदा उसने नहीं उठाया। हर कायनात में हर शय अल्लाह ताला की रहमत का एक से फ़ायदा उठा रही है, काफिर भी, मोमिन भी, तो जानदार भी, बेजान भी, सब अल्लाह ताला की रहमत से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये रहमत आम्मा है, जनरल रहमत, और एक स्पेसिफिक रहमत जो सिर्फ ईमान वालों के लिए, रहमत खासा। और वो क्या है? वो इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी है हमारे लिए, जो दिल का सुकून है, जो तौहीद पर इत्मीनान हमको मिलता है, और आखिरत में तो इंशाअल्लाह ताला जन्नत की शक्ल में वो रहमत हमको अल्लाह ताला उसे नवाजेगा। तो अल्लाह ताला की जो इबादत करेंगे और अपनी इबादतों को अल्लाह के लिए खास करेंगे, अल्लाह ताला ने उनके लिए अपनी खास रहमत भी छुपा करके रखी। अब यहाँ एक नए मौजू का आगाज़ हो रहा है। फरमाया इन फी खल्क़िस समावाति वल अर्ध वाख्तिलाफ़ अल-लैली वन-नहारी वल-फुल्कि अल्लती तजरी फिल बहरि बिमा यन्फ़ुन्नास वमा अन्ज़लल्लाहु मिनस समाई मिन माइन फअहया बिहिल अर्ध बाद मौतिहा وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون। अल्लाह ताला अपनी चंद निशानियों का जिक्र फरमा रहे हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं इन फी खल्क السماوات والأرض, बेशक आसमान और ज़मीन के पैदा करने में, واختلاف الليل والنهار, और रात और दिन के इख्तिलाफ में, والفلك التي تجري في البحر, और उन कश्तियों में जो समंदर में चलती हैं, بما ينفع الناس, उन चीज़ों को लेकर के चलती हैं जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाने वाली हैं, वमा अनज़लल्लाहु मिनस समाई मिन माइन फअहया बिहिल अर्ध बादा मौतिहा, और उस पानी में जो अल्लाह ने आसमान से उतारा और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके ज़रिए से मुर्दा ज़मीनों को ज़िंदा कर दिया, वबत्थ फ़ीहा मिन कुल्ली दाब्बा, और उसमें हर किस्म के जानदार फैला दिए, व तसरीफ़ रियाह, और हवाओं के फेर बदल में, वसहाब, और बादलों में, वसहाबिल मुसख़्खरी बैनस समाई वल अर्ज़, और उन बादलों में जो आसमान और ज़मीन के दरमियान मुसख़्खर हैं, अल्लाह ताला ने उनको तस्खीर किया हुआ है, लआयातिल लिक़ौमिन याक़िलून, अक्ल रखने वालों के लिए बहुत सारी निशानियाँ हैं। अब अल्लाह ताला ने यहाँ पर अपनी कुदरत के चंद करिश्मे, अपनी तख्लीक की चंद निशानियों का जिक्र फरमाया। इन आयतों का पिछली आयतों से भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। पिछली आयत में बात हो रही थी उन आयात की जो अल्लाह ने आसमान से किताब की शक्ल में नाज़िल फरमाई, और इस आयत में बात हो रही है उन आयात की जो अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं और इस कायनात में बिखरी हुई हैं। तो अल्लाह ताला तक पहुंचने के लिए दो निशानियां हमारे पास हैं, दो आयात हमारे पास हैं। एक है आयात मस्तूर और एक है आयात मंजूर। आयात मस्तूर का मतलब कुछ आयतें लिखी हुई हैं, अल्लाह ने आसमान से किताब की शक्ल में नाजिल फरमाई है, कुरान है, तौरात है, इंजील है, ज़बूर है, जो सारी किताबें नाजिल हुई। अल्लाह तक पहुँचने का बुनियादी सोर्स तो ये किताबें हैं, अल्लाह की तरफ से उतारी गई वही जो है ना वो अहली आयात है,
हम जब कह रहे कुरान की आयत तो ये भी आयत है। और दूसरी तरह की आयतें हैं आयत मंजूर, मस्तूर यानी सत्र कहते हैं ना लाइन को, तो जो एक लाइन में लिखी हुई आयतें हैं कुरान की, ये भी अल्लाह की निशानी है, उनको भी आयत कहा जाता है। और कुछ आयतें वो हैं जो कायनात में बिखरी हुई हैं, वफिल अर्दी आयातुल लिल मुकिनीन वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। अल्लाह ने फरमाया जमीन पर यकीन रखने वालों के लिए बेशुमार निशानियां हैं, वफी अनफुसिकुम खुद तुम्हारे अंदर अल्लाह की निशानियां हैं, अफला तुबसिरून कि तुम गौर नहीं करते, देखते नहीं तुम। तो अल्लाह ने पहले तो उन आयात का जिक्र किया जो आयात मस्तूर हैं, जो अल्लाह ने बय्यिनात और हिदायतें अपनी किताबों में नाजिल फरमाई, जिन लोगों ने उनको छुपा लिया, उनको लोगों के सामने जाहिर नहीं किया और लोग गुमराह हो गए, तो वो तो कसूरवार ही है, उनके कसूर का तज़किरा ऊपर वाली आयत में गुजरा। अब अल्लाह यहाँ बता रहे हैं कि अगर किसी को आयात मस्तूर तक उसकी पहुंच नहीं हुई हो तो भी कहना कि बेशुमार निशानियां अल्लाह की वहदानियत की गवाह हैं, वफीकुल शैइन लहू आयतुन तदुल्लु अला अन्नहु वाहिदुन। अरबी का एक शायर कहता है हर चीज में अल्लाह की निशानी है, तदुल्लु अला अन्नहु वाहिदुन, ये निशानी दलालत करती है कि अल्लाह अकेला है। इस कायनात को अल्लाह ने अपनी कुदरत की निशानियों से भर दिया है। इस कायनात में अगर इंसान गौर करे, सुबह शाम में गौर करे, दिन और रात में गौर करे, सूरज चांद सितारों में गौर करे, जमीन और आसमान में गौर करे, आसमान से उतरने वाली बारिश में गौर करे, जमीन से उगने वाली नबातात में गौर करे, उसको कदम कदम पर इस बात की अलामत मिलेगी कि कायनात का खालिक है और वो खालिक अकेला। इसलिए कुरान मजीद में दोनों ही तरह की आयतों का जिक्र है। और जिस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयतें जो कुरान में लिखी हैं उनको पढ़ना सवाब का काम है, वैसे इस कायनात में अल्लाह की जो आयत हैं इनको पढ़ना भी सवाब का काम है। इन आयतों को पढ़ने का हुक्म दिया गया है और इनको पढ़ना क्या, इनमें तदब्बुर करना। अल्लाह ने अहले ईमान की अलामत कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर बयान फरमाई है, तदब्बरूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, कि वह आसमान और जमीन की तख्लीक में गौर करते हैं, वो ढूंढते हैं अल्लाह की निशानियों को देखते हैं, और जब ढूंढते हैं गौर करते हैं तो ईमान वाले बंदे को हर कदम हर चीज अल्लाह की याद दिलाती है। हाँ, हर चीज अल्लाह की याद दिलाती है, सुबह शाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद दिलाती है। तो एक बंदा अगर वो आयत मस्तूर के साथ आयत मंजूर को भी देखे तो ये कायनात सपोर्ट कर रही है कुरान का, ये कायनात जो है ना आयत मस्तूर जो है, आयत मंजूर जो है वो आयत मस्तूर को सपोर्ट कर रही है। जब बंदा कुरान पढ़ता है फिर कायनात देखता है तो समझ में आता है कि इस कायनात का कुरान के साथ एक कनेक्शन है, जो कुरान कह रहा है कायनात उसका इकरार कर रही है, जो कुरान कह रहा है कायनात में उसके प्रूफ बिखरे हुए हैं, तो उसका ईमान और बढ़ जाता है। अल्लाह ताला ने इसलिए बहुत ज्यादा कुरान मजीद में हमको हुक्म दिया कि हम तदब्बुर करें, और एक ईमान वाला बंदा तदब्बुर करता है, वो कायनात की तख्लीक में गौर करता है तो उसको समझ में आता है कि ये कायनात खालिक का करिश्मा है। कुरान मजीद गलत नहीं कह रहा, आयतें पढ़ता है और कायनात देखता है और उसको समझ में आता है कि ये आयतें कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं है कायनात की हकीकत के साथ, ये आयतें कुरानी आयतें अल्लाह ताला की जो आयतें लिखी हुई हैं ये जमीन और आसमान की आयतों के साथ कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं है बल्कि उनको सपोर्ट कर रही है, उसका यकीन उसका ईमान और ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए ईमान वाला बंदा उसको कदम कदम पर अल्लाह की निशानी दिखाई देती है, वो खिलता हुआ फूल देखता है तो सुबहान अल्लाह बोलता है, वो जगमगाता जुगनू देखता है तो सुबहान अल्लाह बोलता है, वो आसमान से बरसती बारिश देखता है तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलता है, उसको हर चीज में अल्लाह की निशानी दिखाई देती है, वो अल्लाह के नूर को हर चीज में देख रहा होता है, वो कायनात की तरह। इसलिए कायनात इस कुरान मजीद का बहुत बड़ा मौजू है ना, जो मुसलमानों ने अपने दौर में उनके दौर में यानी दूसरे मजहब जो है ना वो साइंस के साथ कॉन्ट्रोडिक्ट थे, तो उनको साइंस के साथ प्रॉब्लम था, साइंसदानों को क्यों कत्ल कर देते थे, उनको ये बात थी कि भाई साइंस जो है वो साइंसदान जो बात कह रहे हैं वो हमारी किताब से टकरा रही है। लेकिन इस्लामी दौर में साइंस को जो उरूज मिला ना उसकी एक बहुत बड़ी वजह भी थी, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि इस्लाम ने इंसान को अक्ल के इस्तेमाल से नहीं रोका बल्कि उसको बहुत जोर दिया कि तुम कायनात के गोशे गोशे में जा करके अल्लाह की तखलीक को देखो, उसको यानी छोटी छोटी चीजों को। अल्लाह ताला ने चोटी की मिसाल दे दी, अल्लाह ने मकड़ी की मिसाल दे दी, अल्लाह ने फरमाया कि अवलम यरो इला तैरी फौकहुम साफातिन यक्बिज़्न, क्या ये परिंदों को नहीं देखते कि वो कैसे अपना पर फैलाते और समेटते हैं। अल्लाह ताला ने ऊंट की मिसाल दे दी, अफला यंज़ुरूना इला इबिल कैफ़ा खुलिकत, क्या ये ऊंट को नहीं दिखती अल्लाह ने कैसे पैदा फरमाया। अल्लाह ताला ने बारिशों की मिसाल दे दी, अल्लाह ताला ने अनाज की मिसाल दी, फलयंज़ुर इंसानु इला ताआमी, अल्लाह को बंदे को चाहिए कि वो अपने खाने की तरफ देखे। एक एक चीज की मिसाल दी अल्लाह ताला ने, शहद की मक्खी की मिसाल दे दी अल्लाह ताला ने। तो अल्लाह ताला ने क्योंकि गौर व फिक्र पर आमादा किया, जो एक इस्लाम का अप्रोच है ना वो एक अप्रोच तो है ही है, एक इमोशनल अप्रोच, उसके साथ एक साइंटिफिक अप्रोच भी है,
एक अकली अप्रोच है। इस्लाम अकल को डिनाई नहीं करता, बल्कि इस्लाम अकल को इनकार करने वालों को को बुरा कहता है। अल्लाह ताला तो अकल के इस्तेमाल पर उभारता है, फरमाया कि लआयातिल्लिकौमियाकिलून, कि अकल रखने वालों के लिए निशानी। तो ये एक अप्रोच अलग है। पहले तो एक सबसे बड़ा हिदायत का बेसिक सोर्स तो जो है वो वही है, और वही के बाद दूसरा सोर्स जो है वो अकल है। ये भी याद रखना चाहिए, असल के पहले किसका जिक्र आया? वही का जिक्र आया। अल्लाह तक पहुंचने का बेसिक सोर्स, पहला जो तरीका है वो अंबिया है। अंबिया जो है वो हमको अल्लाह का रास्ता दिखाते हैं, उसके बाद अकल का नंबर आता है, अकल पहले नहीं। बाद गुमराहियां इस हवाले से भी आई कि वही को जो है ना वो नीचे कर दिया गया, अकल को ऊपर कर दिया गया। नहीं, वही पहले है। अल्लाह ताला तक पहुंचने, अल्लाह की मारिफत हासिल करने का पहला सोर्स वही है जो आसमान से अल्लाह ने नाज़िल फरमाई, और दूसरे नंबर पे अकल है। अकल भी अल्लाह तक पहुंचाने का जरिया है, पर ये अकल वही के ताबी होगी, ये अकल वही के पीछे चलेगी, ये वही को ओवरटेक नहीं कर सकती। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने पिछले आयतों में आयत मस्तूर का जिक्र आया, यहाँ पे आयत मंजूर का जिक्र आ रहा है। अल्लाह फरमाने इन नफी खल की समावात वल अर्ज, बेशक आसमानों और जमीन की तखलीक में, आसमान को आसमानों यानी अल्लाह ताला की जो सात आसमान है ना, तो आसमानों यहाँ पर जमा इस्तेमाल किया गया, अर्ज को यहाँ पे इसमें जिन्स के तौर पर वाहिद लाया गया, वरना जमीने भी साथ हैं। फरमाया आसमान और जमीन की तखलीक में, आसमान देखिए, देखते चले जाइए, कोई उसकी इंतहा नहीं, कोई उसकी हद नहीं, कोई खंबा नहीं जिस पर वो खड़ा हो। और इस कायनात में हम जितनी दूर तक हमारी नजरें जा रही हैं, कायनात की वसअत का कोई हमको इल्म नहीं है। एक से एक चीज़ें बंदा डिस्कवर कर रहा है। अभी जल्दी जो है ना वो बंदों ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूक ने ऐसी मखलूकात का नज़ारा किया जो इससे पहले नहीं देखे गए थे। हाँ, वो हुबल नाम के टेलीस्कोप ने जो है ना वहाँ तक के नज़ारा कर लिया जहाँ तक का नज़ारा कभी इंसानी आंखों ने नहीं किया था। और हमको अभी भी नहीं पता कि आसमान ऐसी कितनी करिश्मा साजियों से भरा हुआ है। एक नज़र वो होती है जो मखलूक को देख करके मखलूक में उलझ जाती है, और एक नज़र वो होती है जो मखलूक को देख कर खालिक तक पहुँचती है। ये मोमिनाना नज़र है, जो मखलूक में उलझ नहीं जाती, वो मखलूक को देख करके खालिक तक पहुँचती है। ये इतना वावेला टेलीस्कोप की जब तस्वीरें आई, एक चांद देख लिया है, कहकशाए देख लिया है, ये देख लिया है, वो देख लिया है, इतना शौक, इतना जुस्तजू और इतनी हैबत मखलूक की, सितारों की, कहकशाओं की, और जर्रा बराबर ये एहसास नहीं कि जब ये कहकशाएं इतनी अजीम है तो इनको पैदा करने वाला खालिक कितना अजीम होगा। इस पर कोई गुफ्तगू नहीं हो रही, इस पर कोई बात नहीं कर रहा कि ये सितारे जब इतने खूबसूरत हैं तो इस सितारों को पैदा करने वाला खालिक कैसा हुस्न जमाल वाला होगा। अल्लाह ने फरमाया आसमान और जमीन की तखलीक में अल्लाह ताला की निशानियां हैं। कैसे पैदा कर दिया अल्लाह ने आसमान को? हाँ, तखलीक का पहला मकसद तो यही, पहला मतलब तो यही होता है ना, अदम से वजूद में ले आया। कोई मटेरियल नहीं था पहले से, कि एक मटेरियल था और अल्लाह ताला ने उसको जो है वो कोई मॉडिफाई करके जमीन बना दी, आसमान बना दिए। हम किसी चीज की तखलीक करना चाहते हैं तो हमको बेसिक मटेरियल की जरूरत होती है, एक मादे की जरूरत होती है। हम उसको शक्ल बदल करके उसको कुर्सी बना देंगे, एक लकड़ी हमारे पास मौजूद है उसको कुर्सी बना देंगे, उसको टेबल बना देंगे, उसको कलम बना देंगे, उसको बोर्ड बना देंगे, पर हमको एक मटेरियल की तो जरूरत है। अल्लाह ने चीजों को बगैर वजूद की वजूद बख्शा, बगैर मटेरियल के अल्लाह ताला ने फिर उसको एक मटेरियल का वजूद बख्शा, फिर उससे आसमान बनाए, वल अर्दी, और हमारी जमीन बनाई। ये जमीन अल्लाह की कुदरत की कितनी बड़ी निशान है। आसमान तो चलिए हमारी ताकत से दूर है, हमारा मुशाहिदा उस तक के नहीं हो पाता, जमीन अपने आप में अल्लाह की कुदरत की कितनी निशानियां समेटे हुए। हाँ, अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया कि अल्लाह ताला ने जमीन को मिहाद बना दिया। महद के बहुत सारे माने, उसमें से एक माना होता है माँ की गोद। हाँ, मुद्दा, महद कहते हैं माँ की गोद को। जमीन जैसे कि माँ की गोद होती है हमारे लिए, वैसे बना दी गई है ना। जैसे एक माँ की गोद होती है, एक बच्चे को अपनी कोई जरूरत जमीन से बाहर जाके, अपनी माँ की गोद से बाहर जाके पूरी नहीं करनी पड़ती। उसका खाना भी उसकी माँ की गोद में, उसका पानी भी माँ की गोद में, उसके लिए रिस्क का सारी फराहमी माँ की गोद में, वो बीमार हो गया उसका इलाज माँ की गोद में। जमीन बिल्कुल हमारे लिए माँ की गोद की तरह बना दी गई है। हमारी कोई जरूरत ऐसी नहीं जिसको हासिल करने के लिए हमको स्पेस में जाना पड़े। अल्लाह ताला ने सारी नफा बख्श चीजें, सारी वो चीजें जिन पर हमारी हयात डिपेंड करती है, अल्लाह ने जमीन के अंदर रख दी। खाना, पानी, हवा, ऑक्सीजन, हर चीज हमारी जमीन में रख दी गई है। और फिर जमीन को एक स्टेबिलिटी दी है, ये बनी करोड़ों जो है वो फी घंटा मील की रफ्तार से घूम रही है, पर हम कितने पुरसुकून है जमीन पर। हाँ, अल्लाह ताला ने कितना हमारे लिए सुकून रखा है जमीन के अंदर। ये अल्लाह की तखलीक की कितनी बड़ी निशानी है। हाँ, फिर ये जमीन, इसके अंदर एक जबरदस्त किस्म का लावा जो है ना आपका वो उबल रहा है। ये लावा अगर जमीन के ऊपर आ जाए, हम जमीन पर जिंदा नहीं रह सकते। पर अल्लाह ने कितना पुरसुकून बनाया है हमको। हाँ,
इस जमीन को कितना जरखेज बना रहे हैं हमारे लिए। हम एक दाना डालते हैं, इस दाने से दसियों 70 बीज निकल के आ जाते हैं। कितना अल्लाह ने नफा बख्श हमारे लिए जमीन को बनाया। अल्लाह ताला चाहता तो ये जमीन सख्त कर देता, और जमीन सख्त हो जाती हम अपने दाने इसके अंदर नहीं डाल सकते, अपने मुर्दे नहीं दफना पाते। अल्लाह ने कहा कि हमने जमीन को किफाता अहया व अमवात, हमने जमीन को किफात बनाए, मरने वालों के लिए भी अल्लाह ताला ने जमीन को पनागा बना दिया कि हम अपने मुर्दों को दफन कर लेते। आप सोचिए, सिर्फ इतना ही प्रॉब्लम होता कि जमीन इतनी सख्त होती कि मुर्दों को दफन नहीं किया जा सकता, हमारी जिंदगी कितनी दूभर हो जाती। तो अल्लाह ने जमीन को बनाया, इतनी तखलीक के करिश्मे जमीन में है अल्लाह ताला के, हाँ, नर्म बना दिया, रास्ते वाला बना दिया, इसमें समंदर है जिसमें हम सफर करते हैं। ऐसे सुबुला अल्लाह ने एक जगह फरमाया कि जमीन को ऐसा बनाया गया कि आप इससे रास्ते बना लेते हैं। अगर सिर्फ पहाड़ियां ही पहाड़ियां होती तो कनेक्शन नहीं हो पाता लोगों का एक दूसरे से, लोग एक जगह से दूसरी जगह सफर नहीं कर पाते। बेशुमार निशानियां आसमान में है, बेशुमार निशानियां अल्लाह ताला की जमीन में, वख्तिलाफ लैल व नहार, और रात और दिन के इख्तिलाफ में। इख्तिलाफ का एक मतलब तो ये था बदलने में, रात जा रही है दिन आ रहा है, दिन जा रहा है रात आ रही है, इसमें अल्लाह की कितनी बड़ी निशानी है। एक कितना बड़ा एक निजाम जो है अल्लाह ताला ने बनाया है, सूरज का, चांद का, सितारों का, लश्म से हम बगी लहान तुझे कल कमर वाले लई लुसाबिक नहार, ना जो है वो सूरज चांद को पकड़ पाता है और ना ही रात दिन से पहले आ जाती है। एक मुतअय्यन निजाम बना दिया है, एक सेकंड का भी फर्क नहीं हो रहा कोई। ये पूरा निजाम किसने बनाया है? ये कोई इत्तेफाकी हादसा? इत्तेफाक तो एक बार होते हैं, दो बार होते हैं तो मुसलसल हुआ जा रहा है। आपको पहले से पता है कि सूरज कितने बजे निकलने वाला है, उसकी किरणें कितने बजे रात की तारीकी को तोड़ करके आसमान को जगमगाएंगी, आपको पता है पहले से। क्यों? क्योंकि मुतय्यन निजाम है, हम सालों से उसका मुशाहिदा करते हुए आ रहे हैं। वख्तिलाफ लैल व नहार, रात और दिन के इख्तिलाफ में अल्लाह ताला निशानी रखी है। एक गौर करने वाला जब गौर करता है ना, तो वो सिर्फ तखलीक नहीं देखता, उस तखलीक के अंदर एक तंजीम भी देख रहा है। गौर करने वाला जब कायनात में गौर करता है तो सिर्फ ये नहीं देख रहा कि तखलीक है, उस तखलीक में एक इंतजाम है, और वो इंतजाम इस बात पे दलालत करता है, जैसे तखलीक इस बात पे दलालत कर रही है कि खालिक है, वैसे इंतजाम इस बात पे दलालत कर रहा है कि कोई मुंतजिम है। जब आप एक प्लानिंग देखते हैं ना, प्लानिंग तो है कायनात में, हर जगह प्लानिंग दिख रही है, सूरज चांद सितारों में प्लानिंग दिख रही है। प्लानिंग देखने वाला प्लानर का कैसे इनकार कर सकता है? भाई मखलूक खालिक के वजूद पे दलालत करते हैं, तो इंतजाम मुंतजिम के वजूद पे दलालत करता है, तदबीर मुदब्बिर के वजूद पे दलालत करती है। कायनात में आपको तदबीर नहीं दिखती, छोटा सा अकल रखने वाला भी आदमी गौर करता है तो समझ में आता है कि तदबीर है। दुनिया में तो हम छोटी सी भी तदबीर को देख करके मुदब्बिर का इनकार नहीं कर सकते। मैं यहाँ कुर्सी पे बैठा हूँ, यहाँ मेरे पास एक कप है, इसमें अगर चाय रखी हुई है तो कोई आदमी कहे कि ये चाय अपने आप नहीं बनी, ये अपने आप बन गई है, इसको कोई बनाने वाला नहीं है, इनकार कर देंगे, तस्लीम नहीं करेंगे। छोटे से कप के बारे में अगर बोल दूं कि अपने आप ऐसा हुआ कि आसमान से कोई बिजली गिरी और एक कप की शक्ल में जो है वो मिट्टी जो है वो अपना शक्ल बदल के कप बन गई। एक कप के बारे में कोई मुल्हिद जो है ना, वो इस कप के बारे में अगर उससे कहो कि अपने आप बना है, वो नहीं मानेगा, कहेगा ये लॉजिक तो इसको कबूल ही नहीं करती कि एक कप बगैर बनाने वाले के बन जाए। एक कप बगैर बनाने वाले के नहीं बन सकता, इतनी बड़ी कायनात के बारे में वो बोलता है अपने आप बन गई। हाँ, सिर्फ तखलीक ही नहीं, तंजीम भी अल्लाह ताला की वजूद पे दलालत कर रही है। तो रात और दिन की तंजीम, अच्छा खास तौर पर आप देखिए कुरान मजीद में जहां भी रात और दिन का जिक्र आता है बतौर नेमत या बतौर आयत, रात का दिन जिक्र दिन से पहले आता है, रात का जिक्र जो है वो दिन से पहले आता है। उसकी दो वजह, एक वजह तो यह है कि रात पहले है दिन बाद में, यानी रात जो है वो दिन के अदमे वजूद का नाम है, जब सूरज नहीं रोशनी नहीं है रात है, तो रात पहले है और दिन बाद में है। और एक वजह भी है कि रात जो है ना वो दिन से बड़ी नेमत है अल्लाह, क्योंकि रात हमारे सुकून का जरिया है। हाँ, रात में हम नींद लेते हैं, वजअलना लैल लिबासा वजअलना नहार माशा, रात का जिक्र पहले आया, दिन का जिक्र बाद में आया। ये सुकून, ये इत्मीनान, ये राहत जो हमको रात में नसीब होती है, ये अल्लाह का, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तो अख्तिलाफ लैल व नहार, रात और दिन के इख्तिलाफ है, तो रात और दिन जो एक के पीछे एक आ रहे हैं, इंतजाम जो है उसमें भी, और रात और दिन के मिजाज में जो इख्तिलाफ है, रात एक अलग शय है, दिन एक अलग शय है। दिन मेहनतों मसरूफियतों का नाम है, रात सुकून इत्मीनान का नाम है। दिन माशी तगोदो का नाम है, रात आराम करने का नाम है। दिन गर्मी की शिद्दत का नाम है, रात ठंडी के सुकून का नाम है। तो दोनों में जो एक मिजाज में इख्तिलाफ है, दोनों के कैफियतें और सिफतों में जो इख्तिलाफ है, वो भी इख्तिलाफ मुराद है। इख्तिलाफ से बहुत सारे माना मुराद हो सकते हैं। रात एक अलग तरह की चीज होती है, दिन एक अलग तरह की चीज होती है। हाँ, वख्तिलाफ लैल व नहार वल फुल्क अल्लती तजरी फिल बहर, और फुल्क वो बड़ी बड़ी कश्तियां जो समंदरों में चलती हैं, बिमा यनफउन्नास
उन चीजों को लेकर के जो लोगों को फायदा पहुंचाने वाली। अल्लाह के जमाने में कश्तियां थी और वो कश्तियां जो है जाहिर सी बात है ना सिर्फ ये कि इंसानों की आमदोरफ्त काम आती थी बल्कि जो ट्रेड होता था बहुत बड़ा वो इन कश्तियों के जरिए से ही होता था। अल्लाह ने कश्तियों को कुरान मजीद में कई मकाम पर अपनी निशानी से ताबीर किया है। फिल बहर कल आलाम अल्लाह ने जगह पर फरमाया कि ये जो बड़ी बड़ी कश्तियां हैं पहाड़ों की तरह, ये भी अल्लाह की निशानी। आप सोचिए हालांकि ये जो कश्तियों का एक बनाना था हमारे दौर में तो फिर वो कश्तियां अजमत की किस इंतहा पे पहुंची। आपने वो देखा होगा कि नहरे सुइज में जो एक बड़ा सा बड़ी सी एक जो है ना वो जहाज जो है जब फंस गया था एक तस्वीर आई जिसमें उस जहाज के सामने ना एक वो जो क्या कहते हैं भाई उसको जो मट्टी निकालने के लिए, हाँ वो देखिए लफ्ज नहीं याद आ रहा है, तो वो छोटा वो जो है ना एक छोटी सी एक गाड़ी जो है ना उसके सामने खड़ी थी और उससे समझ में आया कि कश्तियां कितनी बड़ी हो चुकी। हाँ उनके सामने ये जो कश्तियां जो है कितनी बड़ी बड़ी आज के दौर में बनाई थी, दुनिया की सारी चीजें जो सवारी के लिए इस्तेमाल की जाती कश्तियां उनके सामने हाँ बहुत बड़ी है। और ये बड़ी बड़ी कश्तियां जो है अल्लाह ताला ने बनाई है, किसने इनका तौफीक दी इंसानों को बनाने, इंसानों को बनाने की तौफीक दी, अल्लाह ने बनाने की तौफीक दी। और वो फिजिक्स जिसकी वजह से कश्तियां समंदर में चल रही हैं ये फिजिक्स किसका बनाया हुआ है? आप एक छोटी सी पिन भी जो है वो समंदर के अंदर डालते हैं तो समंदर क्या हो जाता है? एक छोटी सी पिन भी अगर आप समंदर के अंदर डालते हैं पानी के अंदर डालते हैं तो क्या होता है? वो पिन डूब जाती है। इतनी बड़ी कश्ती आप समंदर के अंदर डाल देते हैं वो डूब नहीं रही है। कश्तियां अल्लाह की निशानी है, इन कश्तियों से हम सफर करते हैं हाँ, और सफर के साथ साथ वो चीजें हम यहाँ से वहां करते हैं जो हमारे लिए नफा बख्श है। बहुत कुछ चीजें इन कश्तियों की वजह से हम इम्पोर्ट करते हैं जो हमारे पास नहीं है, बहुत सारी चीजें जो दूसरे मुल्कों में नहीं, वही कहीं ठंडी हुए हम वहां तक कि ऊन पहुंचाते हैं वहां के लोगों के लिए ऊन की जरूरत है, कहीं भुखमरी है वहां के लोगों को हम खाना पहुंचाते हैं जहाँ खाना नहीं है। बीमा यन्फाउन्नास लोगों को फायदा देने वाली चीजें ये कश्तियां जो है हमको फराहम करती हैं, एक मौका कि हम फायदे की चीजों का तबादला कर सकें, कुछ मुल्कों से कुछ मंगा लें और कुछ मुल्कों को कुछ भेज दें। ये कश्तियां अल्लाह की यानी बड़ी से बड़ी चीजें कश्तियों के सामने छोटी लगती हैं और कश्तियां समंदर के सामने छोटी लगती हैं। हाँ समंदर इतना अजीम है, अल्लाह की तख्लीक का ना बहुत बड़ा करिश्मा समंदर है। फिल बहरी समंदर के अंदर आप देखो कश्तियां वैसे तो कितनी बड़ी हैं पर समंदर इतना बड़ा है कि उनके सामने कश्तियां छोटी सी लगती है। समंदर इतना बड़ा है और इतनी छोटी सी कश्ती जब वो समंदर के अंदर सफर कर रही होता है बंदा उसके अंदर तो समझ में आता है कि अल्लाह की अजमत कितनी बड़ी है। जब समंदर इतना बड़ा है तो कुछ समंदर का बनाने वाला कितना बड़ा है, बलफुल किल्लती। इसलिए सवारियां भी जो अल्लाह की नेमत है। अभी एक साहब का मसला आया ना, वो क्या नाम है शिहाब चित्तौड़, कि हमको भाई सफर ही नहीं करना, पैदल ही जाएंगे, हमको सवारी नहीं लेना है। क्यों भाई? सवारी अल्लाह की नेमत है, अल्लाह ने बतौर नेमत उसका जिक्र किया है और अल्लाह पसंद फरमाता है कि उसकी नेमतों को हासिल किया जाए, उसकी नेमतों से फायदा उठाया जाए। ये कोई इबादत नहीं है कि मैं अल्लाह की किसी नेमत का को जो है वो इख्तियार नहीं करूंगा, मैं ऐसा ही अच्छा हूँ। अल्लाह ने एक नेमत के तौर पर कश्तियों का जिक्र किया है। वमा अंज़लल्लाहु मिनस्समाई मिन माई, और अल्लाह की नेमतों में से, अल्लाह की आयतों में से एक बहुत बड़ी आयत क्या है? वो पानी जो अल्लाह आसमान से नाजिल करता है, यानी आसमान की तरफ से अल्लाह नाजिल करता है बादलों से। वाहया बिल अर्द बाद मौती है, और उस पानी के जरिए से अल्लाह जमीन को उसकी मौत के बाद जिंदा कर देता है। पानी अल्लाह की कुदरत का बहुत बड़ा करिश्मा है। पानी क्योंकि अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है तो अल्लाह की कुदरत का सबसे बड़ा करिश्मा भी है। और खासतौर पर इस आयत को इनकी पिछली आयतों से आप जोड़ करके देखें, पिछली आयतों में आसमान से वही के नाजिल होने का जिक्र आया और इस आयत से आसमान से पानी के नाजिल होने का जिक्र आया। तो जैसे आसमान से नाजिल होने वाला पानी इंसान को जिंदगी देता है, उसके जिस्म को जिंदगी देता है, वैसे आसमान से नाजिल होने वाली वही इंसान की रूह की जिंदगी है, उसके दिल की जिंदगी है। तो अल्लाह आसमान से पानी नाजिल फरमाता है, फअहया बिहिल अर्द बाद मौतिहा, और जमीन को मौत के बाद जिंदगी दी जाती है उस पानी के जरिए से। अल्लाह जमीन को मौत जमीन यानी आप कभी किसी गर्मी के मौसम में जब बारिश से पहले का मौसम होता है, कभी आप खेत में अगर आपने देहात में देखा होगा ना, अगर उस खेत को आप देखेंगे ना सूखे की वजह से धराड़े पड़ी हुई होती हैं तो बहुत सही आपको एक लफ्ज समझ में आएगा कि ये मुर्दा जमीन है। एक दाना आपको कहीं हरियाली का दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल चटियल मैदान की तरह और दरारें पड़ी हुई हैं, और किसान बार बार जो है वो आसमान की तरफ निगाहें उठा करके अल्लाह ताला की बारान रहमत की नुज़ूल का इंतजार करना होता है, और जमीन बिल्कुल एकदम मुर्दा। कभी आपने सूखा पड़ा हो तो जमीन को देखा होगा ना, एकदम एक जर्रा पानी का नहीं होता, कहीं पर जिंदगी का एक नमूना दिखाई नहीं देता। और जब जमीन हरियाली नहीं होती जमीन में तो आसमान में परिंदे भी नहीं दिखाई देते, क्योंकि जाहिर सी बात है वो परिंदे अपने गिजा का इंतजाम जब होता है जहां पर वहां पर वो दिखाई देते। फिर होता है कि बारिश होती है,
बारिश होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कुरान मजीद समझने के लिए एक देहाती पस मंजर से जो वाकिफ है ना कुरान मजीद को अच्छे से समझ सकते हैं। बारिश होती है, दो दिन में आप देखते हैं कि लहलहा रही है खेतियां, घास उग गई है, वो जमीन जो पीली पीली दिखाई दे रही थी अब वो हरी हरी दिखाई दे रही है। और उसके लिए जितनी खूबसूरत ताबीर अल्लाह ने इस्तेमाल की है ना, अगर वो कैफियत आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि कितनी प्यारी ताबीर है कि जमीन मुर्दा हो गई थी, अल्लाह ने पानी के जरिए उसको जिंदा कर दिया, जिंदगी के आसार दिखने लगते हैं, हरियाली दिखाई दे रही है, और हरियालियों की वजह से फिर आसमान पर परिंदे दिखाई देते हैं, वहां भी जिंदगी आ जाती है। तो ये पानी अल्लाह की कुदरत का बहुत बड़ा करिश्मा है, क्योंकि पानी ही से अल्लाह ताला ने दुनिया की हर चीज को जिंदगी दी, और ये पानी ही है जिसको हम तख्लीक नहीं कर सकते, हम बना नहीं सकते पानी, हम हासिल करते हैं पानी, हम पानी बना नहीं सकते। हमको पानी का फार्मूला पता होगा क्या है, हाँ एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन क्या होता है ना, उसको बना करके पानी बनाया जाता है, लेकिन दुनिया में कोई इंसान पानी तख्लीक नहीं कर सकता, हम मोहताज हैं। अल्लाह ने फरमाया कि बताओ कि अगर अल्लाह ताला तुम्हारे पानी को जमीन की तहों में लेकर चला जाए, हम मैयाती को बीमाई माई, तुमको साफ सुथरा पानी कौन ला करके देगा, आसमान से अगर पानी बरसना बंद हो जाए तुम्हारी जिंदगी दुनिया के अंदर खत्म हो जाए। हाँ ये कितनी अल्लाह की रहमत का करिश्मा है। आप देखिए पानी हमारी इतनी बड़ी जरूरत है कि हम दूसरे सैयारों पर पानी तलाश कर रहे हैं, हमारे टेलीस्कोप बड़े बड़े जो पावरफुल लगे हुए उसका मकसद क्या है, हम सोच रहे हैं कि कोई एक सैयारा तो ऐसा मिल जाए जिस पर पानी हो, दूसरे सैयारों पर पानी तलाश कर रहे हैं, हमारे अपनी जमीन पर जो पानी मौजूद है उसकी हमको कोई कदर ही नहीं है। अल्लाह के बंदे इस पानी की कदर करो, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह की कुदरत का बहुत बड़ा करिश्मा है। वबत सफी हम इनको लीदा बह, और इस जमीन पर अल्लाह ने हर तरह के जानवरों को फैला दिया। दाबा कहते हैं हर उस जानदार को जो चलता फिरता है, मूव करता है, दब्बे दुब्बो का मतलब होता है चलना, तो इंसान परिंदे जानवर मुख्तलिफ किस्म के चौपाए, हत्ता कि वायरसेस जो अलग अलग तरह के होते हैं, हाँ अलग अलग तरह की जरासीम बैक्टीरिया फैले हुए जमीन के अंदर, इतने दाबा इतनी मखलूकात है अल्लाह ताला की कि हम गिन नहीं सकते। कोई जमीन का हिस्सा ऐसा नहीं है जो किसी मखलूक से खाली हो, हर जगह अल्लाह ताला की कोई ना कोई मखलूक कोई ना कोई दाबा दिखाई देता, अल्लाह ने फैला दिया है, इतनी किस्म के मखलूकात है कि हम गिन नहीं सकते। आए दिनों पे किसी नई मछली का कोई जो है वो दरियाफ्त कर रहे हैं कि नई मछली दरियाफ्त हो गई, एक नया कीड़ा दरियाफ्त हो गया, कोई नए तरह की तितली किसी को दरियाफ्त हो गई, किसी ने नए तरह का कोई जो है वो स्पाइडर दरियाफ्त कर लिया। इतनी दरियाफ्तें इतनी अल्लाह ताला की किस्मों की मखलूक हैं कि इंसान दरियाफ्त करता जा रहा है, हमेशा एक नई नई चीजें जो है ना वो जाहिर होती जा रही है। अल्लाह ने फैला दिया उनको जमीन पर, वो तसरीफ रियाह और हवाओं के बदलने में, ये भी अल्लाह हवाएं भी जो है वो अल्लाह की कुदरत का बहुत बड़ा करिश्मा है, और ये बदलती भी रहती है, अल्लाह की कुदरत का बहुत बड़ा करिश्मा है। इन हवाओं के बदलने में मौसम बदलता है, मौसम का मिजाज बदलता है, बारिश ठंडी गर्मी सर्दी इन सारों जो इख्तिलाफात आते हैं ये हवाओं के हेर फेर की वजह से आते हैं, हवाओं के फेर बदल की वजह से आते हैं। हाँ तो हवाओं के तशरीफ में वसहाब मुसखरी बैन समाई वल अर्ज़, और आसमान और जमीन के बीच में अल्लाह ताला ने जो बादलों को मुसखर किया हुआ है, अल्लाह ताला को कंट्रोल कर रहा है, इन सब चीज़ों में क्या है, लआयात लिक़ौमिन याक़िलून, अक्ल रखने वाले हुए निशानी। एक अक्ल तो वो होती है जिसको हम कहते हैं अक्ल इदराक, ये साइंसदान की अक्ल होती है, वो मखलूक में गौर कर लेता है, ये अक्ल इदराक है, मखलूक को समझना ये अक्ल इदराक है, ये तो है ये साइंसदान के पास है, हर इंसान के पास है, वो मखलूक को देख लेता है, वो ऊँट को समझ रहा है, वो जो है बकरियां देख ले रहा है, मखलूक को पहचानने का नाम है अक्ल इदराक। और एक है अक्ल रुश्द, मखलूक के जरिए से खालिक तक पहुँचना, हिदायत वाली अक्ल, ये यहाँ पे मुराद है कि हिदायत वाली अक्ल होनी चाहिए, यानी अक्ल का अक्ल इदराक ही अगर इंसान के पास ना तब तो वो पागल है, पागल है, उसको भी शरीयत के अहकाम को मुकल्लफ ही नहीं हुआ। अक्ल इदराक तो बहुत लोगों के पास है, पर अक्ल रुश्द ऐसी अक्ल जो मखलूक के जरिए से बंदे को खालिक तक पहुंचा दे, है ना, इसलिए अक्ल का मतलब क्या होता है, कनेक्ट करना, अक्ल का मतलब होता है बांधना। एक हदीस है ना, एक साहबी ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनाकिल व तवक्कल अल्लाह, अल्लाह के नबी क्या मैं अपनी ऊंट को बांध करके अल्लाह पे तवक्कुल करूं, तो अक्ल का मतलब होता है बांधना, कनेक्ट करना। तो जो अक्ल वाला आदमी होता है ना वो मखलूक को देख करके खालिक से कनेक्ट करता है उसको। अक्ल का तकाजा ये नहीं कि आप मखलूक में ही घूम करके रह जाए, आप मखलूक ही की अजमत, यानी आपने देखा सूरज बहुत बड़ा है तो उसकी पूजा शुरू कर दी, चांद बहुत हसीन है तो उसको पूजा शुरू कर दी, गाय दूध देती तो उसको पूजने लग गए, हाथी बहुत बड़ा है तो उसको पूजने लग गए, नहीं, अक्ल का तकाजा यह है कि मखलूक के परे देखो, मखलूक के परे खालिक को देख सको, ये अक्ल का तकाजा है, ये अक्ल रुश्द है जो आपको मखलूक के जरिए मखलूक पर रुक नहीं जाती बल्कि आपकी नजर मखलूक से आगे खालिक तक लगे जाती है। जो अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि मोमिन की ये पहचान
काफिर की ये पहचान की आफाक में हो गुम, मोमिन की ये पहचान की गुम उसमें हो आफाक। काफिर वो मखलूक में उलझ करके उसकी नजर रह जाती है, वो मखलूक की ही अजमत में बड़े बड़े सितारे दरियाफ्त कर रहा है, वो ऐसा खुश मशगूल उसके अंदर एक सितारा दरियाफ्त हो गया, ये कहकशां हमने देख ली, इसमें इतना खुश और मगन, और उसकी अकल इन कहकशाओं से आगे बढ़ करके इन कहकशाओं को, इन गैलेक्सीज को तख्लीक करने वाले खालिक की तरफ ले जा रही है। ये काहे की अकल है, इस अकल का इंसान को क्या फायदा होने वाला है, उसके अंदर जरा शौक और जस्तजू और तलब नहीं है कि मैं अपनी नजर को आगे बढ़ाऊं और सोचूं कि जब ये कायनात इतनी हसीन है, ये सितारे इतने अजीब है, तो इनको बनाने वाला कितना अजीब है। ये काफिर और मोमिन की देखने का फर्क है। देखता तो हर कोई है, आंखों की नजरों से हर कोई देख लेता है, लेकिन दिल की बसीरत से लोग महरूम होते हैं। इसलिए अल्लाह ने काफिरों के बारे में फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया कैसे कुरान क्या है वो कि فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارْ وَلَكِنْ تَعْمَلْ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ। आंखें अंधी नहीं होती हैं, ये जिन चीजों की बातें की गई, आसमान जमीन रात दिन कश्तियां पानी और मुख्तलिफ किस्म के जानवर हवाएं बादल, ये तो काफिर भी वैसे देख रहा है जैसे मोमिन देख रहा है, देखने में कोई फर्क नहीं है। فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ الْأَبْصَارْ, आंखों की नजर सबकी एक जैसी है, बल्कि मुमकिन है कि काफिर मोमिन से ज्यादा भी देख ले, वहां तक भी उसकी नजर पहुंच जाए जहां काफिर की नहीं पहुंच रही, पर ये जाहिर नजर है। हाँ, लेकिन दिल की जो बसीरत होती है, فَإِنَّهَا تَعْمَلْ قُلُوب, दिल अंधे हो जाते हैं, काफिर का दिल अंधा है कि वो मखलूक के परे खालिक को नहीं देख पा रहा। हाँ, इसलिए दिल की बसीरत अल्लाह से तलब करना चाहिए। हाँ, आंख का नूर दिल का नूर नहीं, आंख में रोशनी इसका मतलब नहीं कि दिल भी मुनव्वर है। दिल की कैसे को शेर बड़ा प्यारा है, हाँ, दिल के बिना दिले बिना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं, अल्लाह से दिल की बिनाई मांगो। आंखों से तो बाज मरतबा काफिर हमसे ज्यादा देख लेता है, पर उसके दिल में क्योंकि नूर नहीं है, उसके दिल में ईमान का चिराग नहीं जला हुआ है, तो मखलूक को देख करके खालिक तक के नहीं पहुंच पाता है वो। इन सारी चीजों में निशानियां इन लोगों के लिए है जो अक्ल रखने वाले। तो क्योंकि शरीयत ने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया मुसलमानों को कायनात की तख्लीक में गौर करने का, इसलिए आप देखेंगे जब इस्लाम का दौर उरूज था उसमें साइंस को बहुत तरक्की मिली, फल्कियात के मामले में बड़ी बड़ी इजादात, बड़ी बड़ी दरियाफ्तें मुसलमान साइंसदानों ने की, और उन इजादात का क्रेडिट कुरान को जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो एक दौर सुनहरा मुसलमानों को शुरू हुआ और उसमें जो नई नई इजादात हुई, जो नई नई दरियाफ्तें हुई अलग तरह की, सितारे खास तौर पर मुसलमानों ने फल्कियात में, हाँ, एस्ट्रोनॉमी में बड़ी बड़ी दरियाफ्तें की, बड़े बड़े सितारे दरियाफ्त किए, और उसकी बहुत बड़ी वजह थी कि आसमान पर गौर करने का कुरान ने बहुत हुक्म दिया और बहुत मोटिवेट किया था, सितारों का बड़ा जिक्र आया था, तो उससे मोटिवेशन मिला मुसलमान साइंसदानों को और उन्होंने फिर एक फल्कियात में बड़े अपने नाम पैदा किए। तो ये जो मुसलमानों के ज़माने में फल्कियात का जो दरियाफ्त हुआ उसका क्रेडिट कुरान मजीद को जाता है। कुरान मजीद ने मोटिवेट किया था कि अपनी अक्ल का इस्तेमाल करो। कुरान मजीद जो है ना वो अक्ल को, अक्ल इस्तेमाल करने वालों को अप्रिशिएट करता है कुरान मजीद। दूसरे मजाहिब जो है ना वो तो अक्ल इस्तेमाल करने वालों को तनकीद करते हैं, अक्ल इस्तेमाल करने वालों पर वो उनकी तहकीर करते हैं, इसके बरअक्स कुरान मजीद उनको मोटिवेट करता है कि अक्ल का इस्तेमाल करो। हाँ, अक्ल का दायरा महदूद करता है शरीयत। शरीयत ये बताती है कि अक्ल का क्या दायरा है, जो गैबियात के मामलात हैं, जन्नत जहन्नम फरिश्ते अल्लाह, क्योंकि वो तुम्हारी अक्ल के दायरे में नहीं आते तो तुम्हारे पास ईमान बिल गैब के अलावा कोई चारा नहीं। लेकिन उसका भी तकाजा, अक्ल इसका भी तकाजा करती कि जो चीज़ तुम्हारे मुशाहदे में नहीं है उसमें अक्ल मत लड़ाओ, जो चीज़ तुमने देखा है जो तुम्हारे मुशाहदे में उसमें अक्ल लड़ाओ, जो चीज़ तुम्हारे, यानी ईमान बिल गैब का मतलब बगैर देखे मानना है, बगैर सोचे समझे मानना नहीं है, बगैर देखे ईमान गैब का मतलब, ईमान बिल गैब का मतलब बगैर सोचे और समझे मान लेना नहीं है, सोच के समझ के दलीलों के साथ वो मानो जो तुमने नहीं देखा, उन चीजों को देख करके मानो जो तुमने देखा है ना। जब हम अल्लाह को मानने की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं हमने आंखों से नहीं देखा, आंखों से नहीं देखा, अल्लाह को नहीं देखा, पर अल्लाह की आयतों को तो देखा है। अल्लाह की आयतों को देख करके अल्लाह को मान लेना ये अक्ल के खिलाफ नहीं है। कुरान मजीद तो कह रहा है अक्ल का तकाजा यही है, ईमान बिल गैब, जो सिर्फ देखी हुई चीज को माने वो कहां से अक्ल, वो तो ये तो आंखों से हर कोई देख रहा है, देखी हुई चीज को मानना अक्ल नहीं है, वो तो जानवर भी मान देख लेता है तो मान जाता है। असल अक्ल का तकाजा यह है कि देखी हुई चीज को देख करके अनदेखी चीज को मान लो,
یہ ایمان بالغیب ہے. اور اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان بالغیب یہ عقل کے خلاف نہیں ہے بلکہ عقل کا تقاضا ہے. آپ نے آگ نہیں دیکھی پر دھواں تو دیکھا ہے. دھواں دیکھ کر کے اگر آپ عقل کے وجود پر استدلال کرے دھوئیں سے تو یہ عقل کا تقاضا ہے کہ آگ موجود ہے, دھواں ہے اس کا مطلب آگ موجود ہے. تو آیت دیکھ کر کے ان چیزوں پر یقین رکھنا ان کے وجود پر جو آپ نے آنکھوں سے نہیں دیکھی. آپ نے دروازے کے باہر چپل بہت ساری دیکھی ہے تو آپ عقل آپ کی کہتی کہ اندر انسان ہے. تو بغیر دیکھے اللہ کو مان لینا یہ عقل کے خلاف نہیں ہے بلکہ عقل کا تقاضا ہے کہ تخلیق تو دیکھی تو خالق موجود ہے. ہم نے انتظام دیکھا ہے تو منتظم موجود ہے. پانی کی مسئلہ دیکھ لے, پانی اللہ تعالیٰ اللہ کی مختلف جگہ فرمایا کہ اللہ نے بقدرین اللہ ایک 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 انتظام کے ساتھ پانی نازل کرتا ہے. ابھی دیکھیں ممبئی میں پانی کا ایک موسم ختم ہو رہا ہے, بارش ہوتے ہوتے آہستہ ختم ہو جائے گی. ایک اسپیسیفک اللہ تعالیٰ نے ٹائم رکھا ہے پانی نازل کرنے کے لیے, ایک اسپیسیفک اماؤنٹ رکھا ہے جتنے میں پانی ان چار مہینوں کے اندر پانی برستا ہے. یہ انتظام ہے نا, یہ انتظام ہے تو منتظم ہے. ہواؤں میں ایک تصریف میں ایک انتظام ہے تو منتظم ہے. بادلوں کے چلنے میں ایک انتظام ہے تو منتظم ہے. تو تخلیق و تنظیم یہ تقاضا کرتا ہے ہمارا عقل کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں تو خالق اور ایک تنظیم کرنے والے مدبر کو بھی مانیں. تو ایمان بالغیب یہ عقل کے خلاف نہیں ہے بلکہ عقل کا عین تقاضا ہے. بلکہ جو شخص ان آیتوں کو دیکھ کر کے اللہ کی وجود کا انکار کرے اس کا مطلب وہ عقل سے خالی ہے, اس کے دماغ اس کا دماغ فدا ہوا ہے, اس کے پاس عقل نہیں ہے. جو یہ کہے گی مجھے ہر چیز دکھاؤ تبھی میں مانوں گا, اس کا مطلب اس کے پاس عقل نہیں ہے. کیونکہ دیکھ کر کے ماننا جانوروں کا کام ہے. عقل رکھنے والا انسان بغیر دیکھے بھی ان چیزوں کو مانتا ہے جن کے وجود کی دلیلیں ہمارے پاس ہوتی ہیں, اور یہ اللہ کے وجود کی دلیلیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کی. اللہ ہم سب کو عقل سلیم, عقل رشد, عقل ادراک عطا فرمائے. انہیں باتوں پہ آج کے درس کا خاتمہ کرتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.